देखे सपना। इंदु, दिनेश, दिनेश, अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ इंदु, लेकिन क्या तुम्हारे पिताजी अपनी कंपनी के एक मामूली से क्लर्क से तुम्हारी शादी मंजूर करेंगे? क्यों नहीं, एक ही तो औलाद हूँ मैं उनकी। जैसे भी हो मैं उन्हें मना लूंगी। वो फिर भी राजी नहीं हुए तो फिर हम शिव जी के मंदिर में भगवान को साक्षी रखकर कल ही शादी कर लेंगे। मैं इंतजार करूंगा। जो गलत है मोहन लाल बिल्कुल गलत है। मेरे ऑफिस के एक अदना मुलाजिम का हाथ थाम कर वो अपने बाप की इज्जत को नीलाम नहीं करेगी। नीलामी का वक्त तो करीब आ चुका है सेठ जी, सिर्फ बोली लगने की देर है। देखिए मैंने तो नौकर होकर अपनी नमक हलाली का फर्ज अदा किया है, बाकी अपने खानदान की इज्जत को हलाल होने से बचाना वो आपका काम है। मोहन लाल ये मैं कैसे मान लूं? मेरी बेटी इस कसम की है ही नहीं। अगर है नहीं तो फिर एक सुनसान जगह पर एक जवान लड़की एक जवान मर्द से क्यों मिलने जाती है? प्यार माते ऑफिस का हिसाब किताब तो नहीं करने जाती होगी ना? कुछ प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। मोहन लाल अगर ये बात गलत साबित हुई तो फिर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। शायद आगे आप पूछ लीजिए। मोहन लाल तुम जाओ यहां से। ठहरो, कहां से आ रही हो? मैं पूछ रहा हूं इस वक्त कहां से आ रही हो तुम? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती पिताजी, और शायद आप सच सुन नहीं पाएंगे। यानी कि मैंने जो सुना है वो सच है? तुम और दिनेश? हाँ पिताजी, मैं अभी उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। क्या कहा तूने बदतमीज? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ पिताजी। तेरी ये बचाल आज मेरे सामने अपनी जुबान से अपनी शादी की बात कर रही है? बेशर्म! मैं शर्मिंदा हूँ पिताजी, मेरी जिंदगी का ये फैसला जो आपको करना चाहिए था वो मजबूरन मुझे करना पड़ा। नहीं, मेरे जीते जी तुम कोई फैसला नहीं कर सकती। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में सिर्फ मेरा फैसला चलेगा, और आज के बाद तुम्हारे लिए मेरा फैसला यह है कि इस घर की चौखट के बाहर तुम कदम नहीं रखोगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रखोगी। मैं मजबूर हूं पिताजी, औलाद होकर मैंने आपसे बेटी को डोली में बिठाकर विदा करने का हक छीन लिया। मेरी मजबूरी ने आपके अरमानों को कुचल कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रही हो? क्या मजबूरी है? कौन सी मजबूरी है वो? पिताजी अपनी इस बदनसीब बेटी को विदाई के समय दहेज में थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। मैं इस आशीर्वाद के सारे जिंदगी गुजार दूंगी। ना बेटे ना, नहीं, लेकिन तू मुझे बता तो सही कि ऐसी कौन सी मजबूरी है? बेटे तुझे अपनी स्वर्गीय मां की सौगंध, बता बेटे क्या बात है? बोल बेटे। दुनिया के रस्म रिवाज पूरे करने से पहले मैं आपके नवासे की मां बनने वाली हूं। क्या? हाँ पिताजी, मैं बहुत दूर जा चुकी हूं, लौट के वापस आना मेरे बस में नहीं। मुझे जाने दीजिए पिताजी, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज पिताजी। इसे ले जाकर इतनी दूर फेंक दो कि न कभी पुलिस को इसकी लाश मिले और न किसी को याद रहे कि दिनेश नाम का कोई आदमी कभी इस दुनिया में पैदा हुआ था। ले जाओ इसे। यहाँ तो कोई भी नहीं बेटे। लेकिन पिताजी उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो यहीं आएंगे। लेकिन यहाँ जमाना और था जब लोग वादे करके निभाया करते थे, अब तो वादों के साथ दिल तोड़ देना जमाने का फैशन हो गया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओ क्या नहीं सकता, हो चुका है। मुझे अभी पता चला कि दिनेश हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है। कहाँ जा रहा है? लंदन। आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। सेठ जी ये तो प्यार के जज्बात मेरी बात मानने से इनकार करें, लेकिन आप तो सुनिए। चलिए एयरपोर्ट चलकर उसे रोकते हैं कि आज वो चला गया तो समझ लीजिए आपकी इज्जत हमेशा के लिए ले जाएगा। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये लंदन की फ्लाइट जाने में कितनी देर बाकी है? फ्लाइट तो जा चुकी है। जा चुकी है? प्लीज सर अपने मुसाफिरों की लिस्ट देके बताइए कि दिनेश नाम का कोई आदमी लंदन गया है या नहीं। यस मिस्टर दिनेश सक्सेना जा चुके हैं। वो जा चुके हैं? सेठ जी अब तो आपको मेरी बात पे विश्वास आया ना? चलो चलो बेटे आओ। ये लो। हाँ बेगम सर। यस जगदीश मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सर वो आप जा तो रहे लेकिन इतने बड़े ऑफिस का कारोबार कौन संभालेगा? मोहनलाल मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ये कारोबार तुम संभालोगे। सर मैं कैसे? तुमने वो कागजात तैयार करवा लिए या नहीं? जी करवा लिए सर जी। वो मेरे कमजोर कांधे इस लायक तो नहीं कि इतने बड़े कारोबार का बोझ उठा सके, लेकिन आपके लिए जान हाजिर है। मैं जानता हूं इस वक्त आपके दिल पे क्या बीत रही है। मोहनलाल इंसान आसमान से गिरी हुई बिजली से बच सकता है मगर औलाद की गिराई हुई बिजली से नहीं बच सकता। नहीं सर जी ऐसा क्यों कहते हैं? साइन कीजिए। आप फिक्र क्यों करते हैं? जब तक हम जैसे वफादार जिंदा हैं आपको हर तूफान हर मुसीबत से बचाते रहेंगे। आप कारोबार की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, सब मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ इस खानदान की इज्जत को बचा लीजिएगा बस। मोहनलाल आज से सारे कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हारी। जिम्मेदारी क्या मालिक, आज से समझ लीजिए कि कारोबार मेरा ही हो गया। ध्यान रखना। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? जब आपकी लड़की बच्ची के बारे में पूछेगी तब? मैं झूठ बोलूंगा डॉक्टर, अपनी बच्ची की इज्जत के लिए अपने खानदान की इज्जत के लिए मैं झूठ बोलूंगा। डॉक्टर साहब मैं जिंदगी भर इस बच्ची की परवरिश के लिए जितना भी चाहूं खर्च कर सकता हूं, लेकिन भगवान के लिए आप मेरे खानदान की इज्जत बचा लीजिए, मेरी बच्ची की इज्जत बचा लीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ये सर आपके सामने झुका है, इसे समाज के सामने मत झुकने दीजिए। आप जितना चाहे मैं खर्च करूंगा लेकिन इस बच्ची को किसी अनाथाश्रम में भिजवा दीजिए। मोहनलाल तुम मालिक की कुर्सी पर? क्यों तुम्हें कोई एतराज है क्या? एतराज क्या, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है ये सोचकर दुख हो रहा है। राम जब वनवास गए थे तो भरत भी राजगद्दी पर बैठ सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने राम की खड़ाऊ राजगद्दी पर रखी और उनकी चरणों की जगह पर बैठकर राज चलाया, और तुम मालिक के जाते ही उनकी। तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है, लगता तुम्हें काम से आराम की जरूरत है। ये पैसे मेरे हवाले करो, हिसाब उनके ट्रस्ट। सेफ की चाबी और पैसों का हिसाब मेरे जिम्मे है, जब तक मालिक नहीं आते मैं अमानत किसी के हवाले नहीं करूंगा। जगदीश चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। गाड़ी मेरा पैर अभी निकल मेरा पैर। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं मिस्टर रतन लाल। कंपनी के मालिक से इस अंदाज में बात करने का हक यूनियन वालों ने कब से दे दिया आपको? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? पागल मैं नहीं, पागल आप हो गए हैं। जो आपने मुझ जैसे जहरीले आदमी को दोस्त बनाया, फिर उसे कंपनी का मालिक बनाया, फिर बैंक के सारे लाकर सकर अकाउंट्स मेरे नाम कर दिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कब मैंने अकाउंट्स तुम्हारे नाम किए? कब मैंने कंपनी का तुम्हें मालिक बनाया? आपकी याददाश्त को शायद दीमक चाट गई, मैं बताता हूं। ये देखिए, ये रहा स्टैम्प पेपर और ये आप ही के दस्तखत है ना? ये धोखा है, फरेब में साजिश है। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगा। शौक से कीजिएगा सेठ जी, बहुत दिनों के कोर्ट का मुंह देखे हुए। शराफत की एक्टिंग करते करते मुंह का मजा खराब हो गया। लेकिन एक काम कीजिएगा, एक आदमी पे नहीं 2 आदमी मुकदमा दायर कीजिएगा, एक मुझ पे और एक उस दिनेश पर। कितना हरामजादा है, आपकी इकलौती कुंवारी बेटी को बगैर शादी के मां बना के चला गया। हाँ सेठ जी, आपकी लड़की को लड़का हुआ या लड़की? एक काम कीजिएगा, ये 20 रुपए, इसमें से 11 रुपए बच्चे को मुंह दिखाई के दे देना और 9 रुपए आप रख लेना। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, दिल के मरीज को ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए वरना फिर दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा के रहूंगा, समझे? सोच समझ के कदम उठाइएगा सेठ जी। मैं तो पैदाइशी बदमाश हूं, आपको भी नंगा करके छोड़ूंगा, याद रखना। अगर आपने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं आपके वो सारे पोल खोल डालूंगा जिस पर आपने इज्जत का पर्दा डाल रखा है। फिर आपकी बेटी का हाथ कौन थामेगा? सारी दुनिया से आवारा बदचलन कहेगी और आप मजबूर होकर ये सारी दौलत जायदाद ठुकराकर गले में फांसी का फंदा लगा के मर जाएंगे। वैसे एडवांस में मैंने रस्सी का फंदा खरीदा हुआ, कहिए तो ले आऊं? उसे संभाल के रखो मोहन लाल, एक दिन तुम्हारे काम आएगी। अगर तुम आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो गए तो मेरा नाम रतन लाल नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता सेठ जी, हम तो बेइज्जती के चाहने वालों में से हैं। इज्जत पे तो आप जैसे शरीफ लोग जान देते हैं, और मैंने आपकी इज्जत की जमीन में बड़ी दूर तक सुरंग खोद रखी है। मैं सारी दुनिया से कहूंगा कि सेठ रतन लाल अपनी सारी दौलत जायदाद मेरे नाम इसलिए लिख रहे हैं कि मैं उनकी इकलौती बेटी जो शादी से पहले मां बन चुकी है उसे अपने गले बांध लूं, से शादी कर लूं। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने आगे कहा तो मैं तुम जैसे जलील इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे, वो तो मजबूरी आपसे करवाएगी। मजबूर होकर तो शेर भी सर्कस में काम कर लेता है ससुर जी। वैसे मुझे कोई शादी में दिलचस्पी है ही नहीं, लेकिन क्या करूं, आपकी इज्जत बचाने के लिए जहर पी रहा हूं, समझे? अफसोस करने से इंसान की तकदीर तो नहीं बदल सकती। बेटी, सब कुछ जानते हुए भी तेरा हाथ उस जलील इंसान के हाथ में दे दूं? आप नहीं पिताजी, मैं अपना हाथ उसके हाथ में दे रही हूँ। आपकी इज्जत उसके ठोकरों में डालने से बेहतर है मैं अपना हाथ उसके हवाले कर दूं। आखिर बेटी का भी अपने बाप के लिए कोई फर्ज बनता है, और आज वही फर्ज मैं निभा रही हूं। पिताजी, आपका सर समाज के सामने मैं नहीं झुकने दूंगी, कभी नहीं झुकने दूंगी। ओम अग्निना सुप्ताराय अस्मान विश्वान देवर्णान विद्वान यो यो ध्यात्मज्योरान मिने भूयेष्ठान ते नमोक्तिम विदेमा स्वाहा। सारा शहर आपके बेटे के गुण गा रहा है। आपके बेटे ने सारे इनाम जीत लिए, हर मैदान में, पढ़ाई में, खेल में, हर इम्तिहान में फर्स्ट आया। अब तो सिर्फ असली इम्तिहान में पास होना बाकी है। पिताजी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जब तक मैं मोहन लाल की कंपनी को तिनकों की तरह ना बिखेर दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, पिताजी मुझे, पिताजी। ये क्या हो रहा है? सेठ जी, सारे मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके इशारे की देर है, एक एक की हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। वाह वाह, क्या अकलमंद लोग पाल रखे हैं मैंने। हड्डी पसली तोड़ोगे तो वो अस्पताल जाएंगे, फैक्ट्री में काम करने आएंगे। और आजकल हड्डी पसली तोड़ने से काम नहीं चलता, बल्कि अकल की फैक्ट्री से काम चलता है। वो मजदूरों का लीडर गोविंद कहाँ है? आपके दफ्तर के बाहर खड़ा है। नमस्ते मालिक। अंदर आओ। गोविंद, ये नारेबाजी, ये हड़ताल कौन लाया फैक्ट्री में? आपके बोनस देने के झूठे वायदों ने। अब तो हम अपना हक लेंगे या जान दे देंगे। गोविंद, अमीर और गरीब का टकराव ऐसे होता है जैसे पत्थर से शीशे का टकराव। पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन शीशा जो है वो टूट के बिखर जाता है। इसी तरह अगर मैं अपनी फैक्ट्री 50 साल बंद रखूं तो आराम से जिंदगी गुजार सकता हूं, मगर तुम लोग 5 दिन नहीं गुजार सकते। इसलिए जिद मत करो, चुपचाप समझौता कर लो। जैसे ही माल बाहर जाएगा रकम आएगी, और रकम आने के बाद सबसे पहले मजदूरों की मांग पूरी कर दी जाएगी। इसलिए जाओ और शराफत से काम शुरू कर दो। जाओ भाइयों, सेठ जी ने हमारी मांगे मान ली है, सबकी तनख्वाहें बढ़ाने का वायदा भी किया है, और माल बाहर जाते ही बोनस देने का भी वायदा किया है। चलो भाई, काम शुरू करो। चलो। बेपंदे के लोटे, सेठ के चमचे। गोविंद चाचा कैसे मरा बोल? बुड्ढे को मौत आई, मर गया। हमको क्या मालूम। बंद मशीन कैसे चालू हो गई चमचे? अपने आप चालू हो गई। अपने आप से? तो मैं भी चालू हो जाऊं? मोहन लाल, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। आज बड़ी देर लगा दी आने में। सेठ जी, खुशखबरी लाने के लिए देर तो लगानी पड़ती है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? आपने जो टेंडर भरा था उसे पास करवा के लाई हूँ। रियली? एक्सीलेंट। इसे कहते हैं सेक्रेटरी। ब्यूटीफुल। थैंक यू। टेंडर पास तो हो गया, लेकिन उसे अपने हाथों में लाने के लिए पहले उनके हाथ में कुछ देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। इस विदेशी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए मैं कोई भी रकम टेबल पर रखने को तैयार हूँ। टेबल के ऊपर नहीं सेठ जी, टेबल के नीचे। कितनी? 1 लाख रुपया। ओके, मंजूर। लेकिन एक और कॉम्प्लिकेशन भी तो है। क्या? फैक्ट्री में मजदूर बोनस वगैरह न मिलने की वजह से काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर वक्त पे माल सप्लाई नहीं किया गया तो इतना हर्जाना भरना पड़ेगा कि कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। उसका भी तोड़ है मेरे पास। कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो मजदूर भी काम पर आ ही जाएंगे, फिर मजदूरों का क्या है? प्यार से सर पे हाथ फिरा दो, बोनस देने का झूठा वादा कर दो तो आग पे रखी बर्फ की तरह पिघल जाते हैं। मैं भी झूठे वादों की आग से मजदूरों को बर्फ की तरह पिघला दूंगा। डोंट वरी। अरे बेटा, तू मंदिर में? हम आप आज मुकाबला है टेबल टेनिस का। ये कहने आया था कि तुम मुझे आशीर्वाद दो और भगवान से थोड़ी सी सिफारिश कर दो कि चैंपियनशिप का टेंडर मेरे नाम ही निकले। शरीर कहीं का। चल नाश्ता कर ले। नहीं, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। बस तुम्हारा यह हाथ मेरे सर पे रख दो और भगवान का थोड़ा सा प्रसाद मेरे मुंह पे डाल दो, मेरा काम हो जाएगा। एक बात समझ में नहीं आई, उस दिन खेल में आपका पल्ला भारी था, फिर भी आप हार गए। मुझ जैसे बेनाम आदमी के लिए हार और जीत कोई मायना नहीं रखता। जैसे अमावस की रात में जुगनू के चमकने से उजाला नहीं हो जाता, उसी तरह इस जीत से मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, आप जैसे नामचीन और इज्जतदार आदमी के लिए जीत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। नामचीन आदमी एक सूरज के समान होता है और जब सूरज को ग्रहण लगता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। हम तो एक छोटे से दिए के समान हैं, पूछ भी जाए दुनिया तो छोड़ो, पड़ोसी को भी पता नहीं चलता। बातें बहुत अच्छी करते हो, करते क्या हो? बस एक ही काम करता हूँ। क्या? सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश करता हूँ। मतलब बेरोजगार हो? जी हाँ। क्वालिफिकेशन? MA, फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन लगता है कि कुछ ही दिनों में मेडल बिकने वाला है, क्योंकि जिंदगी गाड़ी तो चलनी ही है। बड़े ताज्जुब की बात है, MA फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट और नौकरी नहीं? क्योंकि हमारे सर पर किसी नामचीन आदमी का हाथ नहीं है। मैं तुम्हें नौकरी दिला सकता हूँ। बस समझ लो मेरे दोस्त, मेरा काम हो गया। तुमने मंजिल की बढ़ती हुई पहली सीढ़ी पर मेरा कदम रखवा दिया है। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। ठहरो साहब, सलाम साहब। गुड मॉर्निंग साहब, मुझे आपके बेटे रणधीर ने भेजा है। इस फाइल के अंदर मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं। सुना है आपके यहाँ मैनेजर की नौकरी खाली है, बाकी फैसला आप पर। हाँ, मगर हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जो अपनी दिमागी ताकत से हमारे हाथों को मजबूत कर सके। कर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर पूछिए, और मुझे यकीन है कि मेरे हर जवाब से आपको नाउमीदी नहीं होगी, क्योंकि ना तो मैं नाउमीद होता हूँ और ना ही मैं नाउमीद करता हूँ। बैठो। थैंक यू सर। बोलते अच्छा हो लेकिन तजुर्बा कम है, क्योंकि कॉलेज की जिंदगी में और प्रैक्टिकल जिंदगी में बड़ा फर्क है। बेशक फर्क है, मगर मैं इस फर्क को दूर करने की कोशिश करूंगा और कॉलेज के सपनों को प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह कॉलेज में डिग्री हासिल करने में कामयाब रहा, उसी तरह अपने मकसद में भी कामयाब रहूंगा। सलाम साहब। सलाम। आप ही इधर का नाम यानी से रहे ना? जी हाँ। फरमाइए, खैरियत तो है? नहीं साहब, मैं आपका खैरियत नहीं, मैं आपका नौकर हूँ। आप जिधर बुलाएंगे उधर हाजिर हो जाएगा। मेरा कमरा किधर? सीधा ही साहब, इधर से अंदर जाके वो पहला कमरा है ना। अच्छा, वो मेरा कमरा है? नहीं साहब, उसके बाजू में दूसरा कमरा है ना। अच्छा, वो मेरा कमरा है? नहीं साहब, आप बीच में बोलते हैं, हमारा खोपड़ी में से बात निकल जाता है। आप अंदर जाके लेफ्ट के अंदर, नहीं राइट के अंदर, वो जाके समझ गया। राइट फिर लेफ्ट फिर ओके राइट, लेट मी सी। यहाँ कैसे आए? यही सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ कि आप मेरे कमरे के बाथरूम में क्या कर रही थी? सीधी तरफ बाहर जाती हो। चौकीदार को बुलाओ। अरे चौकीदार को बुलाओ या हवलदार को बुलाओ, वो भी आपसे यही सवाल करेगा जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? हिंगू। हिंगू? ये कौन है? मेरा नाम हिंगू है। आप मेरे को बुलाए? ये बदतमीज आदमी कौन है? मुझे बदतमीज कहने वाले से पूछो कि ये मेरे रूम में क्या कर रही थी। इनसे बोलो सीधी तरफ से। एक एक आदमी करके पूछो तो हमको पता चले किसका सवाल है, किसका जवाब देने का है। सवाल तो दोनों का एक ही है, जवाब अलग अलग है। मुझे जवाब दो कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। खोला है। ओह लॉर्ड सेक, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये आपका कमरा है? या आपका कमरा इधर कैसे आ गया? कोई पते की बात है, ये तो दिन भर नशे में धुत ये आदमी। एक्सक्यूज मी मैम, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है। बदतमीज, तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये कमरा इनका है? मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी माफी चाहता हूँ। ये अपना कंपनी का नया मैनेजर है। बदतमीज, चल कमरा दिखा। चलते हैं, हमको okay. दिखेगा तो आपको दिखाएगा शाम। एक्सक्यूज मी, यस, मेरा तौलिया। ओह, शाम ये आपको कमरा है, आप इधर आराम कीजिए, मैं कुछ पीने को बंदोबस्त करता हूँ। क्या? चाय पानी पीने को बंदोबस्त करता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? चाय में राख झटक रहे हो और एस्ट्रे को चाय की प्याली समझकर पी रहे हो। ओ, ओ, ये जरा एक बड़े गहरे केस में खोया हुआ था। हाँ हाँ, केस में खोए थे। मैं जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ, मैंने आपको हमेशा खोया हुआ पाया है। क्या अनाप शनाप बकती जा रही हो? अगर हमेशा खोया रहता हूँ तो कोर्ट में ये सब बड़े बड़े मुश्किल केस कौन मेरे फरिश्ते लड़ते हैं क्या? कौन जाने क्या करते होंगे कचहरी में। मुझे तो लगता है फरियादी को जेल कराते होंगे और कातिल को इनाम दिलवाकर बाइज्जत बरी कराते होंगे। देखो माया, तुम अगर हाँ नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम तो हमेशा डांटती रहती हो। अरे भाई, इसमें इतना भड़कने की या बात पकड़ के बैठने की क्या जरूरत है? कभी कभी गलती हो जाती है। कभी कभी गलती होती है, एक दिन बतला दीजिए जिस दिन गलती ना की हो। शादी का दिन याद है? याद है। अब क्या गड़बड़ी की थी उस दिन? भरे मंडप में फेरे लेने के बाद मेरे गले में हार डालने के बदले पंडित जी के गले में हार डाल दिया था आपने। पंडित, वो तो उसे मुबारकबाद देने के लिए डाला था। और शादी के बाद कहा था हनीमून के लिए कश्मीर जाएंगे, और वहाँ जाने के बजाय मुझे कोर्ट में बिठा दिया और खुद केस लड़ने लगे। बस बस बस, मतलब की बात करो, फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वकील साहब, मैं एक केस लाई हूँ। फीस लिए बगैर मैं केस सुनता नहीं हूँ। ये लीजिए फीस, लीजिए। अब सुनेंगे? शुरू हो जाओ। एक बाप का केस लाई हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे बाप ने फिर कोई जायदाद का दावा कर दिया है? वो तो 10 साल पहले गुजर गए। पर क्या कह रही हो, तुम्हारे पिता गुजर गए? बहुत अफसोस हुआ सुन के। अच्छा, वो केस क्या है? अच्छा सुनो। एक बाप है जिसकी बेटी जवान है, अकेली क्लब जाती है, फिल्में देखती है, अपनी मर्जी की मालिक बनी बैठी है, और बाप एक लफ्ज भी नहीं कहता। कैसे नहीं कहता? ऐसे बाप को तो 6 महीने की कैद बामुशक्कत करानी चाहिए। फौरन करा दीजिए ना वकील साहब, आपका बड़ा एहसान होगा। अच्छा ये बताओ, वो बाप कौन है? अदालत जानना चाहती है। आप हैं। अच्छा आप हैं, यानी कि हम। जी हाँ, आप लड़की को बिगाड़ रहे हैं। वो डांस करती है तो आप कहते हैं शाबाश बेटी, अब जमाना बदल गया है, आज औरत को मर्द से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। वो नए नए फैशन करती है तो आप कहते हैं एंजॉय योरसेल्फ। क्या लड़की जात को इतनी छूट देना ठीक है? आप उसे समझा दीजिए, वरना मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना कोर्ट की तरफ से दफा 302 लग जाएगा। हम अभी उसे ठीक करते हैं। वो अपने आप को समझती क्या है? उसकी ये मजाल कि वो क्लब में फिल्म देखती है, सिनेमा में डांस करती है, नए कपड़ों की फैशन पहनती है। मैं अभी जाके देखता हूं। हाय डैडी, ये क्या शोर मचा रखा है? म्यूजिक सुन रही हूँ डांस की प्रैक्टिस के लिए। किससे पूछकर सुन रही हो? अरे आप ही तो कहा करते हैं कि दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। हम कहा करते हैं? यस। तो फिर ठीक ही होगा, तुम्हें कौन रोक सकता है? यू आर ग्रेट डैडी। एंजॉय योर लाइफ। एंजॉय कैसे करूं डैडी? 3 महीने से तो जिम खाने की फीस नहीं भर रखी। अच्छा? और मम्मी नहीं देने वाली, आप दे दीजिए ना प्लीज। अभी तो मेरे पास नहीं है, कल दे दूंगा। कल नहीं डैडी, कल इज टू लेट, फीस आज भरनी है। अरे मैं आज मेरे पास नहीं है डैडी। ये क्या है? हा? ये अरे ये कहाँ से आया? ये मैं ले लूं? हाँ ले लो। ये रे 250 क्लब की मेंबरशिप की। मगर आपकी मेंबरशिप की फीस तो भर दी गई है। भर दी? किसने? नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसने पैसे भर दिए हैं और रसीद भी दे दी है। ये मेरी फीस भरने वाला कौन मेहरबान पैदा हो गया? आधा वर्ष है। तो ये आप ही की कारस्तानी है, मेरी फीस भरने वाले आप ही हैं ना? कमाल है, मैंने आज फीस भर दी, आपको पता चल गया, और मैं मुद्दत से आहें भर रहा हूँ, उसका आपको कुछ नहीं पता चला। मैंने जिंदगी में बहुत से बदतमीज देखे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। अजी मैंने खुद नहीं देखा, आप कैसे देख सकती हैं? क्योंकि भगवान ने सिर्फ एक ही पीस बनाया है और दूसरा बनाने का कोई इरादा नहीं। मेरे डैडी की बंदूक चलेगी ना तो एक के 1000 पीस हो जाएंगे। अरे बंदूक चलाने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ एक बार प्यार भरी नजर से देख लीजिए, मैं पीस का पीस हो जाऊंगा। लगता है अब आपको मजा चखाना ही पड़ेगा। चखाइए ना प्लीज, मैं कब से इंतजार में मारा जा रहा हूँ। आप बहुत वार्तालाप करती, प्रैक्टिकल कब करेंगी? बदतमीज, इडियट, लोफर। अरे मैम साहब, लोफर कहिए या मफलर, मैं तो जिद का पुतला हूँ। दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, बहुत चिपकू चीज हूँ। सुनो मालिक, तुम ये लारी लेकर थाना इंडस्ट्रियल स्टेट पहुँचोगे, लेकिन मेन रोड या हाईवे से नहीं, बल्कि छोटी मोटी अनजानी गलियों से। हाँ, छोटी मोटी गलियों से? सवाल करना तुम्हारा काम नहीं, सेठ मोहनलाल का हुक्म, 25 मिनट के अंदर माल पहुंच जाना चाहिए। बे कमीना, मासूम बच्चे को मारकर भागता कहाँ है? भागता कहाँ हो? रणधीर आए दिन मेरे लिए नई नई परेशानियां खड़ी करती जा रहा है। उस ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, डर सिर्फ इस बात का है कहीं ट्रक पकड़ा गया है तो मुसीबत खड़ी हो जाए। कोई मुसीबत नहीं खड़ी होगी, ट्रक अगर पकड़ा भी गया तो पुलिस को पता नहीं चलेगा कि वो ट्रक मेरा है। ए, क्या हालत बना रखी है? गरीब, एक ट्रक ड्राइवर बस्ती में एक बच्चे को जख्मी करके भाग रहा था, मैंने उसका दिमाग और गाड़ी की स्पीड दोनों ठीक कर दी। उसकी किस्मत अच्छी थी मगर अफसोस है कि वो भाग निकला। चलो शुक्र है जी। नहीं, मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा था कि तुम बच गए, लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि इन छोटे लोगों के मुंह मत लगा कर, तुम एक बड़े बाप के बेटे हो, मगर तुमको मेरी किसी बात की परवाह नहीं है। मैंने कहा था ना डरी, आपके और मेरे दोनों के सितारे नहीं मिलते। मैं जो भी कोई सीधा काम करता हूं आप उसे उल्टा समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी बार आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रक पकड़ा गया है उसमें गैर कानूनी माल है, और वो ट्रक किसका और गद्दार कौन है पुलिस एक आध दिन उसके चेहरे से नकाब हटा देगी। नकाब गया जहन्नम में, तो इन सब मामलों में उलझने की क्या जरूरत है? अब क्या करें डरी, आंखें बंद भी की नहीं जाती। आपकी तिजोरी में नोट पड़े पड़े सड़ रहे हैं, अगर आप उन सड़ते हुए नोटों से आपकी कंपनी के मजदूरों के बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क बनवा दें तो बच्चे दुआएं देंगे आपको। मैंने फैक्ट्री पैसा कमाने के लिए खोली है, दुआएं कमाने के लिए नहीं। एक बच्चे की एक दुआ 1 करोड़ से बढ़कर होती है। मुझे उस बाजार का नाम बता सकते हो जहां बच्चों की दुआएं 1-1 करोड़ में बिकती हैं? ऊपर वाले के बाजार में। मुझे उस बाजार में नहीं जाना है। जाना तो सभी को है डैडी, किसी को पहले किसी को बाद में। देखो रणधीर, मैं तुमसे फजूल बहस नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपनी मेहनत के पैसे से पार्क तो एक तरफ, उस पार्क का छोटा सा बोर्ड भी नहीं बनवाऊंगा, समझे? ठीक है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब? डोंट वरी, मैं कोई चोरी डकैती नहीं करूंगा, मैं एक चैरिटी शो करूंगा, पार्क बनवाऊंगा बच्चों की दुआएं कमाने के लिए। कल जिसकी सूरत देखना गंवारा नहीं था, आज उसके साथ बाहों में बाहें डालकर नाचने का प्रोग्राम हो रहा है। इश्क ऐसे ही शुरू होता है, पहली सीढ़ी नफरत की, दूसरी मोहब्बत की और तीसरी चिट्ठी या खत की और आखिरी खुला खुला मोहब्बत की। तुम लोगों को कोई शर्म आया है कि नहीं? जो मुंह में आया बकते हो यार। ये प्रोग्राम मैं उस रोड साइड रोमियो से इश्क लड़ाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ। कितने दिन की? चार 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 दिन में क्या करोगी? प्यार 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 चार 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 प्यार में खो जाएंगे। हाँ यार के हो जाएंगे, प्यार में खो जाएंगे, यार के हो जाएंगे। यही तो है जिंदगी, बाकी सब बेकार। अरे जिंदगी है कितने दिन की? चार 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 दिन में क्या करोगे? प्यार 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 शर्मा के जब नजर झुके, कहाँ झुके कैसे झुके। मनचाहा कोई यार हो, देखा पहली बार हो, ऐसे आंखें चार हो, हम जाए बिहार। अरे जिंदगी है कितने दिन की? चार 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 दिन में क्या करोगी? प्यार 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 चार चार चार। दर्द दिल की क्या है दवा? क्या है दवा बोलो, क्या है दवा? दर्द दिल की क्या है दवा? क्या है दवा बोलो, क्या है दवा? यार वो जिस पे हो फिदा, कैसे फिदा हो, कैसे फिदा। दिन हो चाहे रात हो, वही दिल बरसात हो, किसी की बात हो जाए इतना। है कितने दिन की? चार 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 दिन में क्या करोगे? प्यार 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 चार 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 चार। मैम साहब, अरे मैम साहब, आप तो कमाल की आर्टिस्ट निकली। शुक्रिया। अरे सुनिए तो। फरमाइए। देखिए मेरा मतलब है, जब आप नाच रही थी तो जी चाह रहा था दिल के टुकड़े टुकड़े करके घुंघरू बनाकर आपके पैरों में बांध दूं, और जब आप गा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि फूलों वाली डाली पर कोई कोयल कुकू कर रही है। डायलॉग सुनिए, डायलॉग अपना है और सुनाओ। जी नहीं, मुझे देर हो। सुनिए, देर होने दीजिए लेकिन अंधेर मत होने दीजिए। जाते जाते मेरी तकदीर का फैसला तो बताते जाइए। फरमाइए, आपकी तकदीर का मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए शॉर्टकट में बोलने का आदी हूँ, टेलीग्राफिक जबान में बताता हूँ। मैंने आपको देखा, दिल बेकरार हुआ, स्टॉप। मुझे आपसे प्यार हो गया, स्टॉप। 4 दिन की जिंदगी है, 1.5 दिन गुजर गया, स्टॉप। 2.5 दिन बाकी है। अब ये बताइए मैं बारात लेकर कब आपके घर पे आऊं और आपको दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊं, स्टॉप। आपकी राय क्या है? वाह, क्या अंदाज है और क्या तेज रफ्तारी है। अरे सुनिए तो, देखिए ये मेरी पैदाइशी आदत है। सुना है जब मैं पैदा हुआ था उसके 1 महीने बाद मैं खिसड़ने लगा था, 2 महीने में चलने लगा था। तो इसीलिए शायद आप इतना चलता पुर्जा। अरे चलता पुर्जा ना हो तो जंग लग जाता है। खैर जाने से पहले ये बताइए तो मेरा क्या होगा? देखिए पहले तो मैं समझी थी कि आप आम नौजवानों की तरह दिल फेंका। अरे बिल्कुल नहीं, किसने कहा आपको? लेकिन आप तो इश्क को शादी का रंग चढ़ाकर जिंदगी भर के लिए हाथ थामना चाहते हैं। अरे आप तो समझ गई। तो फिर ये बातें माँ बाप से की जाती। अरे ये बहुत लंबा रास्ता है, माँ बाप से कही नहीं जाती क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना हो जाता है ना। जी नहीं, पंचवर्षीय नहीं, 5 दिन 5 मिनट। देखिए मेरे पिताजी भी आपकी तरह बहुत जल्दबाज आदमी है। कल शाम को घर पे आ जाइए, 5 मिनट में फैसला। आपका घर? ये रहा मेरा कार्ड। बाय। ओफो, इतने नजदीक बैठे हो फोन तक उठा नहीं सकते। हेलो। हाँ हाँ कमला बहन, बिल्कुल देर नहीं करूंगी। सिर्फ लड़का पसंद है फिर फौरन शादी का मुहूर्त निकाल लेते। हाँ अच्छा मैं आती हूँ। दूसरी शादी कर रही हो? छी, शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ऐसी बातें करते हुए? अरे वाह, शादी की बात तुम कर रही हो, मुझे क्यों शर्म आए? मैं दीप्ति की शादी की बात पक्की कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मैं बाप हूँ, मुझे हाँ, भी तो... हाँ लड़का अब आ रहा है, पसंद आए तो फौरन बात पक्की कर लेना। हाँ। कोई गड़बड़ मत करना। मैं जा रही हूँ। अब यहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ करने का कोई चांस ही नहीं है। डैडी ये रहा। ये क्या है? वो बदमाश सड़क छाप रोमियो, याद है ना? रोमियो? हाँ 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 याद है याद है। अरे आने दो उसे, ऐसा हाथ मारूंगा कि उसके पूरे खानदान के चेहरे पर उंगलियों के निशान पड़ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, जाओ। ओके डैड, डन। जाओ। आइए, वेलकम, अंदर जाइए, डैडी से मिलिए। आप नहीं चलेंगे? जी नहीं, क्योंकि आपको अपनी हालत पे यकीन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नाजुक मंजर ना तो मैं आंखों से देख सकती हूँ ना कानों से सुन सकती हूँ। प्लीज कैरी ऑन। ओके। कौन? माया? हाँ लड़का यहाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं दिल खोल के उसका स्वागत करूंगा। मैं कमिंग सर। अरे आओ 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 बेटे, आओ आओ बेटे, आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। साथ में जन्म कुंडली लाए हो? जी कुंडली कुंडली। वो क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में लाना भूल गया। भूल गया? अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे ऐसे खुशी के मौके पे तो मैं अपना नाम भी भूल जाता हूँ। अच्छा अब तुम एक काम करो, जल्दी से अपना नाम और जन्मदिन बताओ, अभी कुंडली बना लेते हैं। नाम रणधीर, 25 अगस्त 1958। और समय? समय 8:10 सुबह। नहीं नहीं इम्पॉसिबल। क्या हुआ? इम्पॉसिबल। देखो ना, इसकी कुंडली में अष्टम स्थान में मंगल है और तुम्हारी कुंडली में राहु है। राहु और मंगल का मिलन कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारी और माया देवी की शादी नहीं हो सकती। ये माया देवी कौन है? वो मेरी पत्नी है। ओ आप? अरे वो तो मेरी पत्नी है। नहीं नहीं, नहीं मिस्टेक है मिस्टेक है। हाँ ये दीप्ति की कुंडली देखनी चाहिए। हाँ ये हुई ना बात, जम गया मामला। इसे कहते हैं जोड़ी। तुम हमें पसंद हो, हमारी और तुम्हारी बेटी की शादी पक्की। थैंक यू वेरी मच। अरे खड़े खड़े मुंह को देख रहे हो? पैर छुओ पैर छुओ। जीते रहो बेटे जीते रहो। थैंक यू। जाओ जाओ। ये क्या? ये पट्टी दवाइयाँ किसी हॉस्पिटल में नौकरी तो नहीं मिल गई? जी नहीं, ये आपको लगाने के लिए। मुझे क्या हुआ? क्या डैडी ने आपको कुछ नहीं कहा? कहा था, बहुत कुछ कहा। क्यों? क्या कहा? बताऊं? ये आपने डैडी से पूछ लेना। डैडी। हाँ हाँ मुझे याद है बेटी, तुम फिक्र मत करो, उसे आने तो दो। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते। उल्लू के पट्टे। जी बदमाश, आवारा, लफंगा, 420। ये आप किसे कह रहे हैं? अरे तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बेटी को देख के सीटियाँ मारता है। जी मैंने तो कभी सीटी नहीं मारी। अरे तेरी तो शक्ल ही सीटी जैसी है, तू क्या सीटी मारेगा? घर बुलाकर ये अपमान। डैडी डैडी ये क्या कर दिया आपने? देखा देखा आपने बाप का कमाल। कैसा कमाल? जिसे मानना चाहिए था उसे छोड़ दिया और इस बेचारे को पीट दिया। है? तो फिर ये कौन था? ओह हेल, इसे शायद तुम्हारी माँ ने भेजा था। हाँ लेकिन जिसे मैंने भेजा था उसको। अरे हाँ उसकी और तुम्हारी कुंडली एकदम जम गई, एकदम फर्स्ट क्लास। मेरी ज्योतिष कभी धोखा नहीं खा सकती। हाँ देखो। नमस्ते जेलो साहब। आओ आओ नमस्ते। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज से तुम्हारी कैद खत्म। आज से तुम आजाद हो, जा सकते हो। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं साहब, अपने को तो 6 महीने की लगी है और ये तो 5 महीने पूरे हुए हैं। और फिर वो 2000 रुपए जुर्माना भी तो है। जुर्माना सरकार को मिल गया। मिल गया? किसने दिया? वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1 महीना सरकार ने माफ कर दिया। क्यों साहब, क्या सरकार हमसे इतनी बेजार हो गई है कि 1 महीने पहले हमको जलील और रुस्वा करके यहाँ से निकाल देगी? देखो साहब, यहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से उठने बैठने हो गए साहब, हमको बाहर चोर उचक्कू की दुनिया में मत भेजो साहब। यहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। जो चोर है वो बोले है मैं चोर हूँ, जो डाकू है बोले मैंने डाका डाला है, जो कातिल है बोले मैंने खून किया है, लेकिन बाहर, अरे साहब बाहर जो बोले मैं धर्मात्मा हूँ ना, उससे बड़ा चोर कोई दुनिया में है ही नहीं। जो बोले मैं देश सेवक हूँ, सेवा वेवा तो गई भाड़ में, मेवा खाता फूट जाता है। अरे साहब सब साले नकली चेहरे चढ़ा के ना शराफत की एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग। साहब हमको बाहर मत जाने दो साहब। अब क्या करें, दुनिया में आए हैं, जिंदगी मिली है तो जीना ही पड़ेगा। लेकिन साहब कभी ऊपर वाले से अपनी मुलाकात होगी ना तो अपन पूछेगा, दादा तूने दुनिया में इंसान को क्यों बनाया? भेड़ बकरी पत्थर पहाड़ कुछ बना दिया होता। साहब हमको बाहर मत जाने दो साहब। अब तुम्हारा यहाँ रहना गैर कानूनी है। जाते वक्त भत्ते के पैसे लेते जाना। ठीक है साहब, जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, बाहर मेरा दिल घबराएगा, मैं वापस यहीं आ जाऊंगा। सलाम साहब। सलाम। चलते भाई, तुम टोकते रहो। अच्छा, तो ये आजादी आपने दिलवाई है। मैंने भी सोचा कि बिना नंबर निकले तो ऊपर वाला भी नहीं बुलाता, तो ये नीचे वाला कौन था जिसने वक्त से पहले मुझे आजाद कर दिया? अच्छा एक बात बताइए, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई या मजदूरों ने हड़ताल कर दी? नहीं बजरंगी, सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक है? तो फिर ये 2000 रुपए देकर, मुझे आजादी दिलाकर, अपने एहसानों तले दबाकर अमीरों की तरह गुलाम बनाना चाहते हो क्या? गुलाम और बजरंगी? नहीं बजरंगी, मैं अमीर बाप का बेटा जरूर हूं, लेकिन भगवान ने मेरे सीने में गरीब का दिल लगा दिया है। जब किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता तो मेरा दिल तड़प उठता है। अच्छा साहब, हम गरीबों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जहां आप यहां तक खींचे चले आए? कंपनी की एक मशीन खराब हो गई, बहुत से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, उनके घरों के चूल्हे बुझ गए बजरंगी। अब वो मशीन तुम ही ठीक करा सकते हो, उनके घरों के चूल्हे तुम ही जला सकते हो। साहब, आपने गरीबों की दुख की बात करके मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। अब उनका दुख तो दूर करना ही पड़ेगा, मुझे आना ही पड़ेगा साहब। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा साहब। थैंक यू बजरंगी। माफ करना, मैं ताला खोल के गलत घर में आ गया था। ये सामान तो मेरा है सब, ये बिस्तर भी मेरा है, ये काया कैसे पलट गई? दीवारों पे मकड़ी के जाले भी नहीं, एक छिपकली भी नजर नहीं आती, ये भी साफ काया पलट गई। वाह बजरंगबली वाह, ये सब तेरा ही कमाल है। जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। बजरंगबली जी, जब आपने इतना कुछ कर दिया है तो जरा कुछ खाने पीने का भी प्रबंध हो जाए। बहुत भूख लग रही है। 2-4 रोटी बस, ज्यादा नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बजरंगबली का हाथ नहीं हो सकता, ये हमारी चंपाकली का हाथ है। छोड़ अपन का हाथ, अपन तेरे से बात नहीं करेगा। तूने अपने को कहीं को खबर नहीं किया कि तू आने वाला है? अरे अपन सारे बस्ती को सजाकर ढोल ताशे से तेरा स्वागत करता था। अरे मैं सरकार से इनाम लेके नहीं आ रहा था, मैं जेल काट के आ रहा था। अरे छोड़ना, जेल में जाके आराम कर रहा था। यहाँ अपन का क्या हालत था मालूम है? अरे तेरी हालत कैसी, एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे क्या खास फर्स्ट क्लास है। इधर क्या हुआ मालूम, साला बस्ती का लोग अपने को एकदम घूर घूर के देखता था, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे इसकी तो तू चल मेरे साथ, चाक खोद के कुआं बनाता हूँ सबकी। अरे अरे छोड़ना, सारा बस्ती देखता था तो क्या सारा बस्ती को काना कर डालेगा? बैठ बैठ, अभी तू आ गया है ना, साला किसी के बाप का हिम्मत भी नहीं कि अपनी तरफ आंख उठा के देखे। एक बात बता, इस दरवाजे को बाहर से ताला लगा है, तू अंदर कैसे आई? देख, जैसे तू हमारे आंख में से घुस के दिल में उतर गया ना, वैसे ही अपन छत पे से कूद के अंदर आ गया। तो सीधे दरवाजे से क्यों नहीं आई? देखो राजा, अपन इधर से तो उसी दिन आएगा जिस दिन तुम सहरा बांध कर अपन को दुल्हन बना के लाएगा। ए, बोलना कब लाएगा इधर से? जब तेरे बाप का बदला ले लूंगा तब। उसने मुझे औलाद की तरह पाला था, प्यार किया, सहारा दिया। जब तक उस देवता के कातिल को नहीं ढूंढूंगा, तेरा हाथ नहीं थामूंगा। एक मिनट रुकना। तो क्या हुआ सर जी? ये पहलवान तो जेल में था, ये सजा की मुद्दत पूरी होने से पहले कैसे बाहर आ गया? तेरा मालूम करना तो। अभी लीजिए। ये नया स्टेनलेस स्टील का चमचा कौन है बे? ये कंपनी का नया मैनेजर है। अच्छा अच्छा। बजरंगी भैया नमस्कार। जब आप जैसा बड़ा ऑफिसर हम जैसे मजदूरों को नमस्कार बोलता है ना, तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होनी है? तुम्हारी तरह मैं भी सेठ का नौकर हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मशीन चलाते हो और मैं कलम चलाता हूँ। मैनेजर बाबू, हमने बेपहने के लोटे बहुत देखे हैं। बात दरअसल ऐसी है कि सेठ ने तुम्हें भेजा है इसलिए कि देख क्या ये बजरंगी इतनी जल्दी छूट के कैसे बाहर आ गया। उनको बोल देना कि मारने वाला अलग होता है लेकिन बचाने वाला उससे बड़ा होता है। अच्छा खून गंदे खून से पैदा होता है। सेठ ने अंदर किया, उसके बेटे ने बचा दिया। बोल देना। मैं क्यों बोलने लगा भाई? मैं सेठ का नौकर जरूर हूँ लेकिन इंसाफ का पुजारी हूँ। मैं तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। मैनेजर साहब, ये हाथ बहुत मैले हैं। आप हाथ लगाएंगे ना तो अगर एक दाग पड़ गया ना तो जिंदगी भर के लिए छूटेगा नहीं। आप मजदूरों से अपना हाथ दूर ही रखिए। ठीक है, आज नहीं तो कल ये हाथ मिलेंगे तो जरूर। रणधीर, तुमने बजरंगी को छुड़ाकर हमारे पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी नहीं मारी डैडी, बल्कि आपकी कंपनी जो लंगड़ी हो रही थी उसे लंगड़ा होने से बचा लिया। विदेशी कंपनी का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर बजरंगी जेल में रहेगा तो फैक्ट्री में काम ही नहीं हो पाएगा। रणधीर, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे दिमाग में तजुर्बे की आंखों ने जन्म नहीं लिया। मैं जिस तरह विदेशी काम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना जानता हूँ, उसी तरह हड़ताली मजदूरों से काम कराना भी जानता हूँ। और तुमने उस हड़ताली बजरंगी को छुड़ाकर मेरे प्लान को ठोकर मारकर उसे चकनाचूर कर दिया है। पता नहीं डैडी, आपके मेरे सुरता मिलते क्यों नहीं। जब भी मैं कोई भलाई का कदम उठाता हूँ, आप उसे ठोकर का नाम देकर मेरी सच्चा के मुंह पर चांटा मार देते हैं। कुछ गड़बड़ है डैडी, या तो मैं आपके काम करने का अंदाज समझता नहीं हूँ, या मैं गलत हूँ, या आपके काम करने का अंदाज ही गलत है। Excuse me, sir. Yes. एक मिनट। आओ। क्या? सेठ जी, बाप और बेटे के रिश्ते में बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आपका नमक खाया, जब तक नमक का हक ना अदा कर दूं चैन से बैठ नहीं सकता। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, झट से जवाब मत दीजिएगा। आप तो जानते ही हैं कि 420 दुनिया का दस्तूर है कि जब काम पड़े तब गधे को भी बाप बना लेना चाहिए, और जब काम पूरा हो जाए तो उस बाप को फिर गधा बना लो। आप समझ तो गए होंगे। अजी मेरा मतलब है, बजरंगी जो है मजदूरों का चाहता है और साथ साथ सरकारी मुजरिम भी है। उसे बाहर निकालिए, अपना काम निकलवाइए और वापस फेंक दीजिए। इसे कहते हैं कि सांप की लाठी बनाना, उसी लाठी से सांप को मार डालना। कैसी रही? एक्सीलेंट राजेश। थैंक यू। लगता है मैं और तुम एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। नहीं सर, मैं अपनी मिट्टी से बना हूं लेकिन जब दूसरों से मिलता हूँ उनकी मिट्टी की खुशबू अपनी मिट्टी में पैदा कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी मिट्टी और तुम्हारी खुशबू मिलकर हमारे दुश्मनों को मिट्टी में मिला देगी। एक्सीलेंट। यस सर, एक्सीलेंट। थैंक्स सर। आप और हमारे कमरे में? जी हाँ, एक दिन गलती से आप मेरे गरीब खाने पहुँच गए थे, आज गलती से मैं आपके दौलत खाने आ गई। ना तो ये दौलत खाना है ना आप गलती से टपकी है, जरूर किसी मकसद से आई होंगी। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कुछ सवाल करने हैं आपसे। सवाल और मुझसे? जी हाँ। खैरियत तो है इस सिलसिले में? आप जवाब दे दीजिए, सिलसिले का खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो शुरू हो जाइए। आप पैदा कहाँ हुए थे? अस्पताल में। मेरा मतलब उस इलाके से था जहाँ आपका जन्म हुआ। मैडम, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या है कि वक्त के साथ साथ उस जगह का नाम भी बदलता गया। जब मैं पैदा हुआ तो उसका नाम पंजाब था, जब मैं स्कूल में था ईस्ट पंजाब हो गया, जब कॉलेज गया तो हरियाणा। अब आप ही बताइए मैं कहाँ का हूँ? आपके माँ बाप दुनिया में नहीं है। Oh, I'm sorry. बीवी बच्चे? बीवी? हाँ, कोई अच्छी सी बीवी मिल जाए तो बच्चों का क्या, बच्चे तो हर साल अस्पताल में टपाटप टपकते रहेंगे। हाँ, आपके पिताजी का नाम? जब दुनिया में कुछ नाम कर लूंगा तब पिताजी का नाम लूंगा, जब तक नाम नहीं होता तब तक अपने ही नाम से काम चलाता रहूंगा। हाँ, से तेज आदमी लगते हो। ये तो आपकी नजर की इनायत है, वरना ये बंदा किस काम का। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि नौकरी पक्की। इसीलिए सवाल कर रही थी। सवाल करना तो हमें भी आता है, लेकिन अपनी जरा स्टाइल कुछ अलग है। हम तो नजरों में झांक कर बता सकते हैं कि दिल की बात क्या है। ओ, डर गए आप? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही समझ रही थी। हेलो, कौन? चाची? जी नहीं, मैं चाची की भतीजी बोल रही हूँ। हाँ दीप्ति, अरे तुम्हारी आवाज सुनते ही मेरी जिंदगी में बत्ती जल गई। कौन साहब हैं आप? साहब तो आप हैं, रणधीर साहब बोल रहा हूँ। अगर एक मुलाकात हो जाए तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। जी नहीं साहब, मुझे फुर्सत नहीं। अरे इतना बड़ा जुल्म मत करो, पहली बार फोन पर तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुन रहा हूँ। अब अपना नमकीन चेहरा दिखा दो, बस आत्मा को शांति मिल जाएगी। अरे तुम क्या जानो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। हाँ जी चाहता है तुम्हें अपनी बाहों में लेकर चूमता रहूं, सिमटता रहूं, देखता रहूं, और इतना देखूं तो तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल के कोने में उतर जाए। हाँ। और वो तस्वीर लेकर सीधे पुलिस वालों के हवाले कर दूं। ये लफंगा रोज मेरी बेटी को फोन करता है। चाची, बाप रे। चुप हो जा बेटा। ए राजा, क्यों रो रहा है? इसको भूख लगी है। भूख लग रही तो खाना खिला देना इसे। अरे कहाँ से देगी खाना? सुबह से इसका बाप वादा करके जाता है कि शाम को पैसे लेकर लौटेगा, और वापसी में अपने पेट में जलते हुए शैतानी चूल्हे की आग मुआ शराब से बुझा के आता है। शराब? ये शराब कहाँ से आई? तुम जेल क्या चले गए? इस बस्ती में शराब का अड्डा भी खुल गया। ये एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को और उनकी माओं को इस शराब के अड्डे ने दुख, भूख और आंसुओं में डुबो कर रख दिया है। मैं जेल क्या चला गया, लोगों ने यहाँ शैतानी तेल बेचना शुरू कर दिया। सुन, तू जानती है माँ ने मेरा नाम बजरंगी क्यों रखा था? क्यों? माँ हमेशा कहती थी कि अगर पेट खराब हो तो इंसान को नारंगी खानी चाहिए, और अगर दिमाग खराब हो तो उसे बजरंगी से मिलना चाहिए। चल। वाह वाह वाह, क्या मजा आ रहा है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, ऐसा मजा को भी नहीं आया। आप लोगों की तस्वीर लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे देनी चाहिए। प्यासे कुत्ते गटर का पानी पी रहे। मजा आया ना? बहुत मजा आता है, ऐसा मजा को भी नहीं आया। आप थोड़ा पिएगा बजरंगी भाई? नहीं नहीं, मैं पीने नहीं आया हूँ, मैं कुछ खिलाने के लिए आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, दारू पीने के बाद भूख लगती है, इधर खाने को कुछ नहीं है। एक बात बताओ, नरम खाओगे कड़क खाओगे? नरम में क्या मिलता है और कड़क कड़क में क्या मिलता है? नरम में मिलेगा बाटा का रबर चप्पल और जूता, और कड़क में मिलेगा कोल्हापुर और कानपुर का जूता, और अगर उससे ज्यादा कड़क चाहिए तो मिलेगा बजरंगी का घूसा। नहीं, इतना कड़क नहीं चाहिए हमको। बजरंगी भाई तुम जाओ यहाँ से। हाँ 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 पहलवान जी, हाँ मैं चलता हूँ। हाँ? नमस्ते। अरे मुँह क्या देख रहे हो, जाओ जाओ। छोड़ डाला, छोड़ डाला। अबे गंजू, चढ़ गई है क्या? अबे चढ़ गई गंजू की तो उठ। और कितना मारेगा इसे? अबे मैं इसका अड्डा, इसका बड्डा, इसका चड्डा मड्डा तोड़ ताड़ के खड्डे में डाल दूंगा। गंजे तेरी। बस बस जाने दे, मार मार के इसे नारंगी जैसा बना दिया। चले बाटली के, चल जा फट। मैं आज तक जिंदगी में तुझे कोई तोहफा नहीं दे सका ना, एक काम कर ले, ये अड्डा आज से तेरा हुआ तोहफा। हाँ मगर सुन, इसमें दारू का अड्डा मत लगाना, इसके अंदर खाने का ढाबा बनाना, और अगर जिंदगी में कभी कोई आदमी भूखा या मुसीबत का मारा यहाँ आ जाए तो उसे मुफ्त में रोटी खिला देना। कमाने के साथ साथ ऊपर वाले का शुक्रिया का टैक्स देना मत भूलना, ठीक है? समझे? शिट। क्या हुआ सर? सुनीता, जिंदगी में पहली बार है कि कोरोना का प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, हमारा टेंडर वापस आ गया। हमारा टेंडर वापस आ गया? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? कोई सम्राट प्राइवेट लिमिटेड। सम्राट प्राइवेट लिमिटेड, उसका मालिक कौन है? पता नहीं कहीं बाहर से आया, कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन कहाँ ठहरा वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद जाकर। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेक्रेटरी किसी गैर मर्द से मिले। ये काम मैं राजेश के सुपुर्द करूंगा, वो स्मार्ट है, कुछ ना कुछ करके लौटेगा। आइए आइए सेठ जी, बैठिए। नहीं तुम बैठो। राजेश एक बहुत जिम्मेदारी का काम तुम्हें सौंपने आया। जिम्मेदारी निभाने के लिए तो सर आपने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया। हमने एक फॉरेन कंपनी का टेंडर भरा था जो करोड़ों रुपए का था और इतने सस्ते दामों भरा था कि हमें यकीन था कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा, लेकिन वो किसी और कंपनी को मिल गया। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ऐसी कंपनी को मिला जिसका हमने नाम तक नहीं सुना, बिल्कुल नई कंपनी है। ताज्जुब की बात है। तुम एक काम करो, मालूम करो ये हमारा नया दुश्मन कौन पैदा हो गया है। जरूर मालूम करूंगा, मुझे भी दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों से मिलने में ज्यादा मजा आता है। उसे मेरा नाम और रिकॉर्ड जरा अच्छी तरह समझा देना और कहना कि शराफत से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे वरना दुनिया से ऐसे गायब कर दूंगा जैसे कभी पैदा नहीं हुआ था। उसका एड्रेस सर? हाँ ये बस आपका खादिम ये एड्रेस लेकर जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा। बेस्ट ऑफ लक। अरे गधे ये क्या कर रहा है? गधा इतना मेहनत करके पसीना बहा के हवा भरता है गाड़ी के अंदर और आपने गधा बोलता है। ओहो, लेकिन ये हवा निकली कैसे? वो मेरे को नहीं मालूम, हमारे आने से पहले निकला है। हमारे सामने निकलता ना तो हम उसको बोलता है अभी मत निकलो, लेकिन हवा का क्या शब्द, वो कभी भी निकल जाता है। आप इस पंप से मोटर में हवा भरेंगे? मोटर में नहीं साहब, पहिया के अंदर भरता है, पहिया। ओहो, इसकी अकल पर बिजली क्यों नहीं गिर जाती? बिजली के लिए टाइम गलत है साहब, वो बारिश के मौसम में आता है। ओफो, इस बेवकूफ से कौन बहस करेगा, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। इतना मेहनत करता है, ऊपर से बेवकूफ बोलता है, कुछ समझ में नहीं। हाय हैंडसम। मेरा इशारा आप ही की तरफ है। खुदा खैर करे, या तो मेरा दिमाग खराब है या आपकी तबीयत। क्यों? आपके देखने और बोलने का अंदाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। अंदाज तो कब से वही है, लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? अच्छा, बड़ा बेवकूफ हूं मैं तो एक मुद्दत से आपके पीछे लगी हूँ। मगर पीछा करने की क्या जरूरत थी? सामने आ जाती, गले में बाहें डाल देती, आंखों में आंखें डाल के दिल की बात कह देती। चलो, जब जागो तभी सवेरा है। फरमाइए, बंदा किस काम आ सकता है? आप किसी खास काम से तो नहीं जा रहे हैं? अरे आप काम की बात कर रही हैं? इस वक्त तो मैं अपनी जिंदगी बेदाम बेचने को तैयार हूँ। आप हुक्म तो करके देखिए। तो मौसम का इशारा समझ लीजिए। ये ठंडी गुदगुदाने वाली हवाएं, ये फिजा, ये भीनी भीनी खुशबू। हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, देखिए घर चलते हैं। खुद ही दावत देते हो, खुद ही भगा रहे हो। वो सर्दी बहुत लग रही है ना। अरे हमारे और करीब आ जाइए, सर्दी भगाने के बहुत से इंतजाम है हमारे पास। जी नहीं, पहले घर वापस चलते हैं और एक गरम गरम चाय की प्याली पीते हैं। ये प्रोग्राम हम कल पर रखेंगे। नाइस मीटिंग यू, बाय बाय। ये माजरा क्या है? ये हवाएं सर्द सर्द हैं, ये हवाएं सर्द सर्द हैं, ये दिलों में गर्मियों, फिर इतनी दूरियां क्यों, फिर इतनी दूरियां। हवाओं के क्या क्या रुख बदल रहे हैं, जलाने वाले खुद चल रहे हैं। शबनम ये कैसा अंदाज है, ये कैसा अंदाज है, मौसम जैसे रंग बदलना आखिर के क्या राज है, आखिर ये क्या राज है। कोट मैं गई और आई, तब तक आप यही इंतजार कीजिए। ओ डैडी, बेटी, डैडी, बेटी, आप यहाँ कब आए? बेटे, मैंने एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भरा था और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, इसीलिए। डैडी, आप वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दीजिए। क्या? इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसे हासिल करने के लिए मैंने दिन रात कोशिश की ताकि मोहनलाल का सर दुनिया के सामने झुका दूं। तुम कह रही हो कि सिर्फ सर ही नहीं झुकाना है, उसे उसके गुनाहों की सजा दिलानी है, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं मोहनलाल के यहाँ काम करती हूँ। क्या कह रही हो? तुम मोहनलाल के यहाँ काम करती हो? जी हाँ। लेकिन क्यों? अपने बाप के अपमान का बदला लेने के लिए। उसने जिस तरह को दर दर की ठोकरें खिलाई हैं, बिल्कुल वही हश्र मैं उसका करना चाहती हूँ। लेकिन बेटे, अगर उसे इस बात का पता चल गया तो? उसे पता नहीं चलेगा डैडी। मैंने उस पर वफादारी की ऐसी धाक जमा रखी है कि उसे शक हो ही नहीं सकता। बेटे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो आप मुझे यहाँ हरगिज नहीं भेजते, और मेरे दिल में बदले की आग जो बरसों से भड़क रही है, सारी जिंदगी मैं खुद उसी आग में जलती रहती। डैडी, आप वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दीजिए, मोहनलाल को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बेटे, मेरे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने से उसका नुकसान कैसे होगा? जरूर होगा। मोहनलाल को फंसाने के लिए वो विदेशी कॉन्ट्रैक्ट का लालच मैंने खुद उसे दिया था। मैं बेटे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कहना चाह रही है। मोहनलाल को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो करोड़पति हो जाएगा। नहीं डैडी, वक्त पर काम पूरा नहीं होगा। मजदूर पहले ही नफरत की चिंगारी दिलों में लिए बैठे। जरा सी हवा लगाने की बात है, वो चिंगारी मोहनलाल के कारोबार को जलाकर राख कर देगी। नहीं बेटे, पैसे और झूठे वादों से वो साग को ठंडा कर देगा। नहीं, वो बहुत मगरूर आदमी है, सर नहीं झुकाएगा, मजदूरों के सामने कभी अपनी हार नहीं मानेगा। और अगर झुका दिया तो? अगर झुका भी दिया तो आपकी बेटी उसके करोड़ों का नुकसान करवा कर रहेगी। बेटी, तू अकेले इतने बड़े दुश्मन का सामना कैसे करेगी? एक मौका तो दीजिए। लेकिन और सवाल मत कीजिए, मुझ पे विश्वास रखिए। अब मुझे माँ से भी मिलना है, उससे पूछना चाहती हूँ मैं, ऐसा कौन सा कसूर था मेरा जिसकी इतनी बड़ी सजा दी मुझे? जन्म देकर कभी ना मिटने वाला कलंक मेरे माथे पर लगाकर इस दुनिया में मुझे जीने के लिए क्यों छोड़ दिया? देखूं तो सही, ऐसी कौन सी औरत है वो जिसने माँ होकर ममता का अपमान किया? ठीक है बेटी, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। जा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। थैंक यू डैडी, अब आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ओह। डैडी। And please treat this letter urgent. Yes, faithfully. जा टाइप करो। सेठ जी, सेठ जी जिंदाबाद, सेठ जी जिंदाबाद, सेठ जी मुबारक हो, मुबारक हो। जो काम आपने मुझे सौंपा था मैंने फतेह कर लिया। क्या क्या? मैं समझा नहीं। मैं सम्राट कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो मैदान छोड़कर भाग गए। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, काश आप वहाँ पर होते और देखते कि मैं अपने शब्दों की गोलियों से कितना उनको घायल कर रहा था। और वो इस तरह भागे, वो इस तरह भागे जैसे शेर को देखकर बकरी भागती है। एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल। मगर ये सब इतनी जल्दी हो कैसे गया? सेठ जी, ये दिमाग का काम है। इस छोटे से दिमाग के अंदर तरकीबों का जो समुंदर है, उसकी लहरों में मैंने उन सबको डुबो दिया। मैं भी तो सुनूं, वो कौन सी लहर है जिसमें आपने ऐसे जहाज नुमा आदमी को डुबो दिया? अब डिटेल में सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, शॉर्टकट में सुनाऊं। मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें डराया। मैंने कहा महाराज क्या कर रहे हैं आप? जब नए इलाके में काम शुरू करते हैं तो पुरानी कंपनी वालों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेते। ये कंपनी और उसके मालिक की सेहत के लिए खराब है, और वैसे भी आपने बहुत कम दाम पर टेंडर भरा है, बर्बाद हो जाएंगे। और अगर नकली माल इस्तेमाल करेंगे तो जेल हो जाएगी। और ऐसे भी मैंने उन्हें बहुत सैकड़ों एग्जांपल्स दिए। अरे एयर कंडीशन रूम में उन्हें पसीना छूट गया। पसीना क्या छूटा, हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छूट गया। और अब तो वो बेचारा शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वाह राजेश वाह, एक्सीलेंट। तुमने वो काम कर दिखाया जिसकी शब्दों में तारीफ की नहीं जा सकती। सेठ जी, ऐसे काबिल आदमी की तो फौरन तरक्की हो जानी चाहिए। लो, इसी बात पे शिकार हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तुम जलाओ। सेठ जी, मालिक के सामने सिगरेट पीना बदतमीजी होती है। देखिए ना, जूता कितना भी कीमती हो लेकिन पहना तो पाँव में ही जाता है। वाह वाह, बहुत खूब। एक मिनट, तुम्हारे शब्दों की तरह तुम्हारा लाइटर भी बहुत खूबसूरत है। सेठ जी, ये भी आप ही का है। वाह, प्रे बॉय, वेरी गुड। बीच सड़क पर इस वक्त किसका इंतजार हो रहा है? आपका। और किसका? हमारा जह नसीब। इंतजार किस सिलसिले में? मुबारकबाद देनी थी, अकेले में। यानी कि मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा। बिल्कुल, आपके बोलने का अंदाज और ये अदा, कहीं नजर न लग जाए। आपकी नजर से नजर मिली है तो नजर लगने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने पर वो सामने वाली पार्टी राजी कैसे हो गई? कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, उस कंपनी का मालिक हमारे इशारे पर कंपनी बंद करने के लिए रेडी है। इससे तो अच्छा ये है कि आप उस कंपनी के जनरल मैनेजर हो जाए, तरक्की भी हो जाएगी। चे 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 चे, जनरल मैनेजर किस घटिया पोस्ट का नाम लिया है? अरे वो तो मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं, सन इन लॉ। तो दामाद बनने में देर किस बात की, कर लो शादी। शादी तो मैं कर लेता, लेकिन एक गड़बड़ है। वो लड़की कोई अजीब मॉडल की है, ये समझ लो कि खराबियों का गोडाउन है। इतनी मोटी है, इतना सकद है, कोयले से ज्यादा काली है, ऊपर से गंजी है। अरे ऐसी लड़की से शादी करके मोहल्ले के बच्चों को डराना है क्या? और अब तो ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब आपसे मुलाकात हो गई है तो फिर थोड़ी सी एडवाइस आपसे लेंगे और फिर करेंगे हम शादी। और कितना झूठ बोलोगे? मैं और झूठ? हाँ, तुम अव्वल नंबर के झूठे हो। तो तुमने कौन सी सच बोलने की डिग्री हासिल की है? हाँ, तुम भी तो मेरे साथ झूठ बोलती रही और शुरू से झूठ बोलती रही। उस दिन तुमने मेरी जेब से वो कागज चुराया क्यों? बोलो, तुम्हारे दिल में कोई राज है जिसे तुम दुनिया से छुपाना चाहती हो, सच पर झूठ का पर्दा डालना चाहती हो। बहुत हंसी सही, शुक्रिया। कुछ तो दिल से काम लो, प्यार तुमसे भी हंसी, अच्छा? प्यार का प्याम लो। ये प्यार का प्याम अजीब बेरियत तो है, वो भी मेरे नाम अजीब। खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत है। तुम बहुत हंसी सही, कुछ तो दिल से काम लो, तुम बहुत हंसी सही। ये हसीन लब प्यास मेरी कम नहीं, वो भी जवां है अब। इन लबों के नाम तुम प्यास का सलाम लो, प्यार तुमसे भी हंसी, प्यार का प्याम लो। बिल्कुल खैरियत है। तुम बहुत हंसी सही, कुछ तो दिल से काम लो, तुम बहुत हंसी सही। करीब आओ तुम, करीब आओ तुम, यूं अकेली राह में लड़खड़ा न जाओ तुम। लो बढ़ा रहा हूँ हाथ, हाथ मेरा थाम लो, प्यार तुमसे भी हंसी, प्यार का प्याम लो। आपकी दुआ से तुम बहुत हंसी सही, कुछ तो दिल से काम लो, प्यार तुमसे भी हंसी, प्यार का प्याम लो। बजरंगी, कल रात तुम ही आए थे सुपरविजन के लिए? हाँ मैं आया तो था साहब, लेकिन आपने पहले कभी ऐसा पूछा नहीं मुझसे। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं ना। कल रात दो आदमी फैक्ट्री में आए थे जो चुपके से इस ऑफिस में भी आए थे। यहाँ? हाँ। आप देखिए, अपन दिखने में डबल है, अपन रोल अपन कभी डबल नहीं करता। जो अपन अंदर है वही अपन बाहर है, जो अपन दिन में वही रात में। बाप ने यही सिखाया था अपने को। तुम मुझे गलत समझ रहे हो बजरंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ है या तुम कोई डबल रोल कर रहे हो या वो दो आदमी तुम हो। मेरा मतलब ये है कि यहाँ अतराफ में कुछ फांदेबाजी चल रही है, थोड़ा चौकन्ना रहा करो। चौकन्ना तो हमेशा ही रहता हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी मुझसे होशियारी करे ना तो उसके चारों कोने अलग कर देता हूँ। शाबाश, बैठो। मैं बैठूं? हाँ। क्यों? मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि जब मालिक सामने बैठने के लिए कहे ना तो उसके दो मतलब निकलते हैं, या तो वो नौकरी से निकाल देना चाहता है या फिर रिश्वत देके कोई बुरा काम करवाना चाहता है। अरे बाबा मैं ऐसा कुछ नहीं करवा रहा हूँ, तुम बैठो तो सही। ठीक है साहब, बैठ गया। हैप्पी न्यू ईयर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वही जो सारा जमाना करता है, अपनों से गले लग रहा है और नए साल की मुबारकबाद दे रहा है। एक तो चोरों की तरह मेरे कमरे में घुसा है, ऊपर से बकबक किए जा रहे हो। किसी ने देख लिया तो जानते हो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मोहब्बत की किताबों में लिखा जाएगा, गोलियां चल जाएंगी और ये परवाना क्षमा पर फिदा हो जाएगा। क्या मुसीबत है, किस तरह के आदमी हो तुम? तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या? देखिए मैम साहब, अरे स्क्रू तो उसका ढीला होता है जिसके स्क्रू लगा हुआ होता है, और ये बंदा तो बगैर स्क्रू के पैदा हुआ। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मम्मी ने देख लिया तो इतने डंडे खाओगे कि आत्मा का पेट भर जाएगा। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। अरे मेहमान के शरीर का पेट तो सभी भरते हैं, लेकिन आत्मा का पेट भरने वाला दुनिया में पहली बार देखा है। अपनी मम्मी से कहो खाना ले आए, मेहमान हाजिर है। तुम जाते हो कि नहीं? अपने साथ मुझे भी मरवाओगे? अरे क्या ओ, मम्मी आ गई। आए मम्मी। अरे बौखलाई हुई क्यों है? बौखलाई नहीं तो नहीं। अरे पसीना पसीना क्यों हो रही है? क्या करूं मम्मी, एक तो गर्मी इतनी, गर्मी समझ में नहीं आ रहा क्या। अरे सारा जमाना सर्दी से मर रहा है और तुझे गर्मी लग रही है। और ये क्या इतनी खामोशी क्यों है? ये कैसा नया साल मनाया जा रहा है? ना कोई म्यूजिक है, ना रिकॉर्ड, ना वीडियो, सब बिगड़े हुए हैं। वीडियो का हेड खराब है, कैसेट प्लेयर की सुई खराब है, रेडियो की तो तबीयत ही खराब हो गई। अरे बनाने वाले को बुला लेना था। कोई फायदा नहीं मम्मी, ये पिछले 2 साल से चक्कर चल रहा है। चक्कर? कैसा चक्कर? पिछले 2 साल से आज का दिन सब बिगड़ जाते हैं। 2 साल पहले जब अचानक सब कुछ खराब हो गया ना, तो मैंने फोन करके बोला बनाने वाले को बुलाया। मम्मी अभी फोन किए आधा मिनट भी नहीं हुआ था कि जैसे मैं पलटी ना तो देखा सामने एक नौजवान सा लड़का हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा है। उसने मुस्कुराकर कहा हैप्पी न्यू ईयर। अभी उसका इतना कहने की देर थी कि म्यूजिक भी बजने लगा और टीवी भी चालू हो गया। और तू मुझे डराना चाहती है ना? अरे तेरा मतलब है इस घर में भूत है? यस मामा, भूत है और हर साल आज ही के दिन आता है। देखो हैप्पी न्यू ईयर। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मम्मी को डराना पड़ा मुझे। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। जस के राव, कब मिलोगे? अभी मुझे नहीं पता, बाद में बाबा। जाओ भी जस को। 1 पीस होता है ना, 1 पीस। आप कौन से स्पेशल आइटम की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम साहब कहीं आपको इस 1 पीस की तलाश तो नहीं? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी कहाँ, तमीज है। बल्कि ये कमीज है जो पतलून के साथ सिली हुई है, फ्यूचर में काम आएगी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। अरे जब ऊपर वाला बाज नहीं आता तो मैं कहाँ से बाज आऊँगा? देखो ऊपर वाले ने हम दोनों की जन्म कुंडली मिला दी है और तुम उसे हिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे हम दोनों की जोड़ी ना कुदरत की प्रिंटिंग पेज में छपी हुई है। तुम अपने दिल की लाइब्रेरी खोल दो, मैं उसकी किताब खोल देता हूँ। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खोलकर देख लो। तुम आधा वर्ष है। उस दिन भूत बनकर मुझे डराया, आज मेरे बेटे को परेशान कर रहे हो। देखिए क्या है, मैंने आपको भूत बनकर नहीं डराया। वैसे इस शहर में एक ऐसा भूत है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है, लंबा। ठीक है, ये बंडल किसी और को मारना। क्या यही है तेरा 1 पीस सूट स्पेशल आइटम? मम्मी ये वो तो तुम जाते हो या? देखिए मेरी बात तो सुन। गेट आउट। इसमें अंग्रेजी में डरने की क्या जरूरत है, बोलिए चले जाइए। बदतमीज चल। अरे वाह, तुम मेरी बेटी की कुंडली से अपनी कुंडली मिलाकर तुम तो ऐसे गायब हो गए कि दोबारा नजर ही नहीं आए। लेकिन अब कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। सुनिए, चलो। अरे माया, ये वही नौजवान है जिसकी कुंडली अपनी बेटी की कुंडली से मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिला है। मिलो अपने दामाद से, मिलो। दामाद? ये मेरा दामाद बनेगा? यस, इसने तो मुझे भूत बनकर डराया था। अच्छा तुम्हें डराया था? हाँ। भूत बनकर? हाँ। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या? नो, आई मीन इम्पॉसिबल। अरे तुम्हें देख के तो असली भूत भी डर जाता है, नकली भूत तुम्हें कैसे डरा सकता है? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे तुम दोनों बड़ों के झगड़े में क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। अरे क्या किया आपने? क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। धन्य हो तेरे मेरे प्यार की। क्या प्यार की? अरे कुंडली। कैसी कुंडली? काय की कुंडली? जन्म कुंडली, धर्म कुंडली, कर्म कुंडली, लगन कुंडली। मिल गई रे, मिल गई। मेरे प्यार की कुंडली जन्म कुंडली लगन कुंडली मिल गई रे मिल गई मिल गई रे मिल गई तेरे मेरे प्यार की कुंडली जन्म कुंडली मिल गई रे मिल गई मिल गई रे मिल गई जान जाएगी मान जाएगी तेरे मेरे प्यार की कुंडली जन्म कुंडली मिल गई रे मिल गई मिल गई रे मिल गई तुझे मुझे लगा 22वां साल अरे लगा रे लगा रे लगा रे हमें 22वां साल मीन मकर कुंभ मिथुन गुरु शुक्र शनि मीन मकर कुंभ मिथुन गुरु शुक्र शनि राहु केतु मिलके देखो खूब चले चाल देखो खूब चले चाल मना लेंगे बटा लेंगे मान जाएगी जान जाएगी जान जाएगी मान जाएगी तेरे मेरे प्यार की कुंडली जन्म कुंडली ये मिल गई रे मिल गई मिल गई रे मिल गई लेके बरात दूल्हा आया रे वो देखो लेके बरात दूल्हा आया रे रानी शर्मा नाना वो देखो लेके बरात दूल्हा आया रे रानी शर्मा नाना सोना सिंगार दुल्हन आई रे राजा घबराना ना राजा घबराना ना हमें मानेगी सारी दुनिया हमें मानेगी दुनिया भी मान गई दुनिया मान गई सारे लोग मान गए मगर 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 मम्मी अरे तेरी मम्मी नहीं मानेगी मना लेंगे बटा लेंगे मान जाएगी जान जाएगी जान जाएगी मान जाएगी तेरे मेरे प्यार की कुंडली जन्म कुंडली मिल गई रे मिल गई मिल गई रे मिल गई मम्मी नहीं मानेगी अरे मम्मी नहीं मानेगी तो सासू को मनवा लेंगे और सासू भी नहीं मानी तो अरविंद आश्रम के श्री अरविंद महाप्रभु से दोनों को मनाएंगे। जी ये खत आया इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी से? जी हाँ, हमारे कंपनी के पुराने वर्कर की 20,000 की पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई है। अगर उसका कोई वारिस हो तो जाकर कंपनी से चेक वसूल कर ले। ये खत किसके? जी जगदीश वर्मा के नाम। जगदीश वर्मा? जी हाँ, 17 साल पहले इस कंपनी में जगदीश वर्मा नाम का एक अकाउंटेंट हुआ करता था। क्या आपकी उनसे मुलाकात हो चुकी? जी हाँ, मैं उन्हीं के अंडर काम करता था। सारा ऑफिस उनकी सच्चाई और ईमानदारी की कसम खाता था। तो कहाँ चले गए वो? एक दिन अचानक एक ट्रक के नीचे आ गए, बुरी तरह से जख्मी हो गए। फिर उसके बाद आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। उस ड्राइवर का क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया? हाँ, इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ, एक बेटा भी था 7-8 साल का। मुनीम जी? जी। ये कागजात आप संभाल कर अपने सेव में रखिए। अब तो बेटा बड़ा भी हो गया होगा। हो सकता है कि एक दिन वो अपने बाप का हिसाब लेने के लिए इस कंपनी में आए। सेठ जी, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ सेठ जी, बात ही कुछ परेशानी की है। दिल में आग लगी हो और जबान को खामोश रखना पड़ता है, किसे कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसी क्या बात होगी? सेठ जी, हम नमक हलाल लोग हैं, जिसका नमक खाते हैं उसके लिए जान देने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बीच चौराहे पे खड़ा होकर आपको गालियां निकाले, बुरा भला कहे और हमारे हाथ से बचकर निकल जाए। मेरे लिए तो ये मरने की बात है। कौन दे रहा था मुझे गालियां? था एक शराबी, बोले ही जा रहा था। शराबी? हाँ सेठ जी, शराब के नशे में दूध लड़खाते हुए चीख चीख कर कह रहा था कि आज से 15 साल पहले इस कंपनी के एक वफादार नौकर जगदीश को आपने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डाला, अपाहिज बना दिया और शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या? हाँ, और ये भी कह रहा था कि आपने अपने ससुर को ब्लैकमेल करके उसकी बेटी से शादी की और उसकी जायदाद के मालिक बन बैठे। और क्या कह रहा था? इतना कह दिया क्या कम था? अरे मैंने तो मार मार के उसका हुलिया बदल डाला। शराब के नशे में था इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो जान ले लेता। भाग गया साला। नाम क्या था उस आदमी का? बिरजू। बिरजू? तुम्हें मालूम है कहाँ रहता है वो? पता मालूम है? अगर पता मालूम होता सेठ जी तो उसे घर से उठाकर कब्र में ना गाड़ देता। तुम फिक्र मत करो, ऐसे लोगों को क्या हासिल करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या लाऊं? नहीं सुनो, यहाँ कोई बिरजू नाम का आदमी आता है। बिरजू नाम का आदमी? हाँ, जो दारू पी के यहाँ रोज गालियाँ बकता है। अजी साहब, यहाँ तो दारू पी के 10 दिन लोग गालियाँ देकर चले जाते हैं। वो नहीं, मोहन लाल नाम के आदमी को माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ देके जाता है। माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ देते हैं? अरे वो बिरजू, वो तो मोहनलाल की माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ निकाल रहा था। मोहनलाल तेरी माँ का। अजी मैं नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था। क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था मोहनलाल तेरी माँ का। अबे मेरे सामने खड़ा होकर मुझे गालियाँ दे रहा है। अच्छा वो कोई सुन नहीं रहा था। अबे कमीने, अबे कुत्ते, अबे जलील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे मैं तेरा खून खिंचाऊंगा। अरे जा, अरे मैं कौन? मोहनलाल। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मैंने कहा कमीना, कुत्ता, जलील, क्या क्या गंदी गंदी गालियां दी। मैंने तो आपको बिरजू समझा। बिरजू? हाँ, वो भी आप ही की तरह कमीना है। मेरा मतलब उसकी भी आप ही की तरह दाढ़ी है। आप क्या कर रहे हैं? चलो बताता हूँ, जल्दी जल्दी। भिगा दिया। क्या बात है? मैं उसकी सूरत देखने आया जो मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता है। मैं उसे मौत की नींद सुला दूंगा। हाँ, जाकर सो जाइए, मैं तो हमेशा के लिए आपको सुला दूंगा। नहीं, मेरा मतलब उस बिरजू को, जिस तरह वो कहता है ना कि आपने ट्रक के नीचे एक वफादार मुलाजिम को कुचल कर अपाहिज बना दिया, उसी तरह मैं भी उसे कुचल कर अपाहिज बना दूंगा। अरे ना, सो जाइए, हमेशा के लिए सुला दूंगा बिरजू को। हाँ बिरजू बेटा, एक दिन तुझे भी सुलाऊंगा मैं। देखो, सारी बस्ती आराम से सो रही है, इन्हें जगाना हमारा काम है। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये हैंडबिल्स उन सोए हुए लोगों को जगा सकेंगे? मुझे विश्वास है, वो सिर्फ जागेंगे नहीं बल्कि बजरंगी के खिलाफ खड़े भी हो जाएंगे। इन्हें बोनस नहीं मिलेगा, वो काम पर नहीं आएंगे। और सेठ मोहनलाल मर भी जाएंगे लेकिन बोनस नहीं देंगे। तो फिर चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। ये क्या है बजरंगी? क्या ये कागज का टुकड़ा क्या कह रहा है? खबरदार होशियार, तुम्हारा बजरंगी मालिकों से मिल गया है। अब वो ना तुम्हारे लिए बोनस की बात करेगा और ना ही उनके खिलाफ आवाज उठाएगा। अब भी मौका है, संभल जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। अरे फेंक ये सब बेकार भंकस है। तुम लोग मेरे बजरंगी को इतना बेईमान समझते हो? तुम्हारी चंपा चुप। भाइयों, तुम लोगों को इस कागज के टुकड़े पे विश्वास है लेकिन अपने बजरंगी पे भरोसा नहीं है। क्यों? तो हम लोगों को बोनस क्यों नहीं दिलवाते हो? हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप सबका यही फैसला है तो मेरा फैसला भी यही है, आज से काम नहीं होगा। नमस्ते सेठ जी। सारे बजरंगी, आने में कुछ देर हो गई। ठीक है सेठ जी, देर भले हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए आप। अब बताइए आप मुझे किस लिए बुलाया? मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है। मैं जानता हूँ। और उस हड़ताल की जंजीर को काटने के लिए मैं ये हथियार लाया हूँ। सेठ जी, वो जंजीर ना तो किसी हथियार से कट सकती है और ना ही तलवार से। अगर कट सकती है तो सिर्फ एक चीज से, और वो है उनके दिलों में प्यार का जागना। और वो प्यार तभी जाग सकता है जब आप उनके पेट में रोटी डालेंगे, उनके हक देंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे। बजरंगी, इस बैग में मैं मजदूरों का हक, उनका बोनस, उनकी रोटी सब समेट कर लाया हूँ। ये देखो। एक बात समझ में नहीं आती सेठ जी। क्या? ये मांगे तो आप वहां ही उनके सामने पूरी कर सकते थे। हाँ, कर तो सकता था, लेकिन अगर वहां मैं मांग पूरी करता तो वो लोग मेरी जय जयकार करते और तुम्हारी इज्जत में फर्क आ जाता। यहाँ अकेले में मांग पूरी करने से मैंने तुम्हारा सर उन लोगों के सामने ऊंचा कर दिया है। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारा सर इसलिए ऊंचा किया गया कि कल उसे काटने में आसानी हो जाए? अरे नहीं बजरंगी, मैं और तुम्हारा सर काटूं कभी नहीं, नेवर। लो बजरंगी, ये पैसा लो और अपने मजदूर भाइयों में बांट दो। दिवाली आ रही है, सबके घरों में खुशियों के चिराग जलाओ ताकि तमाम मजदूर फैक्ट्री में दिल लगा के काम करें और वक्त पर माल तैयार हो, फैक्ट्री की इज्जत बरकरार रहे। क्योंकि फैक्ट्री की इज्जत का मतलब होता है मजदूरों की इज्जत। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मजदूरों की इज्जत बरकरार रहेगी, ये मेरा वादा है। अरे माँ, क्या बात है? कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने तुझे कल क्या कहा था? क्या भूल गया ना? तू जा ऑफिस जा, मुझे क्या करना है। अरे माँ तू रूठ मत, चल नहीं जाता। अरे मैं तो अपनी माँ के लिए सारे जमाने की मार खा सकता हूँ। मार खाए तेरे दुश्मन। अच्छा बोल, कल कौन सा दिन है? गुरुवार। और तेरा जन्मदिन। ओहो, 3-4 दिन पहले नहीं बता सकती थी? मैंने तो आपकी बात सोचा था, होटल में ऐसी एक शानदार पार्टी करूँ कि सारा शहर देखता रह जाए। तो करना, तुझे रोका किसने है? एक शर्त है। बोल। तुझे पार्टी में आना होगा। देख बेटे, तू तो जानता है मुझे पार्टियों से कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, तो मैंने भी फैसला कर लिया है, अगर तू नहीं आई तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। क्यों जिद करता है? जिद नहीं है माँ, ये सब कुछ मैं तुझे खुश देखने के लिए कर रहा हूँ। कब तक तुम्हारे और पिताजी के बीच ये दूरी, ये फासला रहेगा? कोई दूसरी बात कर बेटे। दूसरी बात कब तक करता रहूंगा और तुम मेरी बातों को टालती रहोगी? माँ, कब तक माँ बाप होते हुए भी मैं अपने आप को यतीम सा महसूस करता रहूंगा? नहीं नहीं बेटे, अगर मेरे आने से तुझे खुशी होती है तो मैं जरूर आऊंगी। ऑफिस की तिजोरी से गैर कानूनी कागजात और ब्लैक डायरिया गायब हैं। ऑफिस की तिजोरी से गायब है मतलब घर की तिजोरी में होगी? 100%। और कुछ पता चला? इतना कुछ पता चला है कि मोहनलाल का बहुत जल्दी पत्ता कटने वाला है। कैसे? वो 20 रुपए का पाउडर लेता है और 10 रुपए का पाउडर बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। मतलब हर डिब्बे पे 10 रुपए का घाटा? सिर्फ दिखावा है, असल में वो हर डब्बे पर 10,000 रुपए कमाता है। कैसे? ऊपर से कहने के लिए पाउडर का डब्बा है, लेकिन अंदर गांजा, अफीम, कोकीन, चरस सब कुछ बाहर के मुल्कों को सप्लाई करता है। क्या? जी, अब हमें ये पता लगाना है कि ये बेईमानी की फैक्ट्री है कहाँ। तो मेरे वफादार मजदूरों, ये मेरा काम वक्त पे हो जाएगा ना? हमें यहाँ क्यों कैद रखकर काम करवाया जा रहा है? ये गैर कानूनी काम है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो लोग काम करना चाहते हैं वो यहाँ खड़े रहें, जो लोग काम नहीं करना चाहते वो जरा इस तरफ आ जाएं। हाँ। तो आप लोग काम नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। शाबाश, इस गोली की आवाज से अपनी मौत का ऐलान सुनने के बाद भी तुम लोगों ने अपना इरादा नहीं बदला? बिल्कुल नहीं बदला। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं और इनाम के तौर पर कुछ गोलियां तुम्हारे सीने में दाग देते हैं। इस फैक्ट्री के नीचे मैंने बारूद बिछा रखी है, अगर मेरा काम ठीक वक्त पे नहीं हुआ तो यहाँ खुफिया बटन है जिसे मैं दबाऊंगा। इस फैक्ट्री के साथ तुम सब छीतड़े बन के हवा में उड़ जाओगे, याद रखना। जाओ काम शुरू करो। अरे कमाल है, पिक्चर शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं नहीं जाती पिक्चर। क्यों? क्योंकि तुम बहाने से मुझे पिक्चर ले जाते हो और वहाँ छेड़खानी शुरू करते हो और लोग पर्दे की पिक्चर भूलकर हमारी पिक्चर देखने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ तुम पिक्चर नहीं जाओगी? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। तो ठीक है, जल्दी से शादी कर लेते हैं, उसके बाद पिक्चर चलते हैं। इतनी जल्दी है क्या? अरे सो तो है। तो अपने डैडी से कहो पहले मेरे डैडी से आके मिले, तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगे। अरे हाथ मांगने की बात है ना, ये लो पकड़ लिया। ऐसे नहीं बाबा। तो पहले अपने डैडी को मेरे घर पे भेजो। देखो मेरे डैडी मेरे हाथ में नहीं आते, तो तुम्हारे हाथ मांगने कैसे आ जाएंगे? ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे डैडी का मेरे डैडी से मिलना बहुत जरूरी है। बस। वो ठीक है, इसका मतलब माँ से मिला देते हैं। तो चलो अभी चल के मिल लेते हैं। इन कपड़ों में? क्यों? अरे मेरी माताजी को बहू चाहिए, दामाद नहीं। देखो अच्छा मैं साड़ी पहन के आती हूँ। अरे सुनो तो, अभी नहीं, मेरे जन्मदिन पर। हाँ तुम्हारा जन्मदिन। अच्छा मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? मैं दिल थाम कर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम डैडी मम्मी का हाथ थाम कर चले आना। चेहरे पे मुस्कुराहट, होठों पे प्यार के बोल, इससे अच्छा तोहफा मेरे लिए क्या होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम सब सेठ मोहनलाल के इकलौते बेटे मिस्टर रणधीर की सालगिरह मनाने के लिए जमा हुए हैं और इस खुशी को दोबाला करने के लिए मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि अरे ठहरो ठहरो, अगर सब खुशखबरें तुम सुनाओगे तो हम क्या खबर सुनाएंगे? आधी तुम आधी हम। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और एक खुशखबर ये है कि सेठ मोहनलाल के इकलौते बेटे के साथ हमारी इकलौती बेटी माया की शादी हो रही है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? माया तो मेरा नाम है, अपनी पत्नी की शादी अपने दामाद से करा रहे हो। ओह सॉरी सॉरी, रॉन्ग, माय मिस्टेक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, खुशखबरी ये है कि सेठ मोहनलाल के इकलौते बेटे के साथ हमारी बेटी दीप्ति की शादी हो रही है। तो गिव देम अ बिग हैंड। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ बेटी। बेटी? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी कोई माँ नहीं, उसने तो पैदा होते ही मुझे ठुकरा दिया था। मेरी माँ मर चुकी है। ऐसा न कहो, एक बार अपनी माँ की गले लग जाओ। आज आपकी ममता जागी है, आज बेटी को गले से लगाने का ख्याल आया है। इतने सालों से आपकी ममता कहाँ थी? जब मेरा बचपन माँ मांग रहा था, उसका प्यार मांग रहा था, मेरे बचपन को जलाकर आज ममता का अधिकार मांगने आई हो। चली जाओ यहाँ से, बहुत देर हो चुकी, अब मुझे माँ की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं बेकसूर हूँ, मुझसे झूठ बोला गया, मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझसे कहा गया मेरी औलाद पैदा होते ही मर चुकी थी। आज मुझे पता चला मेरी बेटी जिंदा है और वो तुम हो। आपकी कहानी और महाभारत की कुंती की कहानी में कोई फर्क नहीं है? हाँ फर्क है। कुंती ने अपने हाथों से अपने बच्चे को पानी में बहाया था, मैंने तो ऐसा नहीं किया। कुंती अपने स्वार्थ के लिए कर्ण के पास गई थी और मैं अपना दामन फैलाकर अपनी बेटी के पास ममता की भीख मांगने आई हूँ। हो सकता है आपकी कहानी सच हो, पर मैं मजबूर हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुनीता, मैं अभी अभी फैक्ट्री के पावर हाउस का सब स्टेशन उड़ा के आया हूँ। मशीनें बंद। क्या? सब स्टेशन उड़ा दिया? मतलब कल से फैक्ट्री बंद? और मोहन लाल वक्त पर माल नहीं सप्लाई कर सकेगा और साथ साथ कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। मैं बाहर से वार करूंगा और तुम उसके घर में घुसकर उसके कफन की तैयारी करती रहना। ये फैसला किया था ना हमने कि हम दोनों मिलकर उसे बर्बाद करेंगे। याद है ना? याद है। हेलो। हाँ, क्या फैक्ट्री के पावर हाउस में आग लग गई? कैसे? हाँ, मैं भी आता हूं। सुनीता, तुम? जी, नया साल मुबारक। थैंक यू। आप हमेशा कहा करते थे ना, मैं हॉस्टल में अकेली क्यों रहती हूँ, इसलिए बैग। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे किया। तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो। इंद्रानी, ये सुनीता है, हमारे ऑफिस में काम करती है, ये आज से ही रहेगी। जरा लुक आफ्टर हर। मैं जल्दी माया भी आता हूँ। बेटी, तुमने तो हमारे घर आने से इनकार कर दिया था, ये अचानक इरादा कैसे बदल दिया? जिस इरादे से किसी का दिल दुखता हो, उसे बदलना जरूरी है, इसीलिए चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया। चलो आओ। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल रात हमारी फैक्ट्री का पावर हाउस उड़ा दिया गया। जी, बड़ा अफसोस हुआ। और अफसोस के बावजूद तुमने हमें खबर करने की जहमत गवारा नहीं की। सेठ जी, वो टेलीफोन पर जो खबर आपको दी गई थी, वो मेरे ही कहने पर दी गई थी। आई सी, लेकिन ये किसकी हरकत हो सकती है, कुछ पता चला? हाँ, चल गया। ओ, है एक नमक हराम जो हमारे नमक पे पल रहा है और जहर उगल रहा है, मगर इसे पता नहीं कि हमने बचपन में अपनी माँ की दूध की जगह सांप का जहर पिया है। जो सांप हमें डसेगा, वो खुद तड़प के मर जाएगा। राजेश, हम इस फैक्ट्री के तमाम मजदूरों की सांसें रुकती हुई देख सकते हैं, मगर इस फैक्ट्री को या इसकी मशीनों को रुकता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन सेठ जी, ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो आप जैसे खतरनाक आदमी के साए में रहते हुए आपको चैलेंज करे? कौन हो सकता है? है गद्दार, जिसने अपने माथे पर वफादारी का लेबल लगाया हुआ है। सेठ जी, आप मुझे बताइए ना, आप हमसे कुछ छुपाइए मत, बताइए ना। हाँ? बताऊंगा जी, तुम्ही को बताऊंगा, इसलिए तो बुलाया तुम्हें। इस पिस्तौल का कुछ मतलब समझे? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। इस पिस्तौल की गोलियां उस गद्दार के सीने में मौत की कील ठोकने के लिए तैयार है, मगर वो है कौन? लाइटर का क्या मतलब? लाइटर चौंके, ये वही पड़ा था जहां से पावर हाउस उड़ाया गया। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है, जवाब है। इस लाइटर के जरिए आप अपने दुश्मन को पकड़ना चाहते हैं। चलिए, कम से कम मैं आपका सिगरेट तो जलाती हूं। कहीं गलतफहमी की आग में आप वफादारी के रिश्तों को ना जला दें। ये लाइटर चौंक गए ना? है कोई जवाब? सेठ जी, इस दुनिया में तो इंसान के हम शक्ल मिल जाते हैं, ये तो फिर भी लाइटर हैं, और वो भी फैक्ट्री के बनाए हुए हैं। तो फिर वो कौन हो सकता है? क्या बात है गुरु, किस सोच में डुबकियां लगा रहे हो? और रणधीर खैरियत? गुरु, मन में सोच की मौजें उठती हैं तो माथे पर बल उभर आते हैं। तुम्हारे माथे पर बल कैसे? मैं ये सोच रहा था कि पावर हाउस के जल जाने से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। जब वफादारों का पावर साथ हो तो पावर हाउस जल जाने से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मतलब? मतलब ये, अब कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बजरंगी ने वादा किया है कि वो उस नुकसान के जख्म को भर देगा और वक्त पर माल पहुंच जाएगा। रणधीर, तुमने दूर से चमकती हुई रेत देखी? बिल्कुल पानी लगती, लेकिन जब प्यासा भागकर उसके नजदीक जाता है तो उसे पानी नहीं, उसे गर्म गर्म चमकती रेत मिलती। इसी तरह बजरंगी भी विश्वास दिलाकर तोके की गरम रेत निकलने वाला है। यानी कि तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ जहर भर गया है। मगर बजरंगी मर्द है, वादा निभाना जानता है, तोड़ना नहीं। जिस दिन वादा तोड़ेगा, वादे के साथ साथ उसका घर भी टूट जाएगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा दोस्त। मैं अपनी मां, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, उसकी कसम खा सकता हूं। डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम। बजरंगी। मैनेजर साहब, आप यहाँ इतनी रात को? बस यही देखने आया था कि काम वाम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। माल वक्त पे तैयार हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। फिक्र करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तुम जैसे ईमानदार, वफादार और नमक हलाल जैसे लोग कंपनी का बोझ उठाए अपने कंधे पर हैं, तो नफे की इमारत में दरार पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैनेजर साहब, आप नमक हलाल, ईमानदार, वफादार कुछ इस अंदाज में कह रहे हैं जैसे कोई माँ बहन की गालियां दे रहा हो। आपकी बातों से मुझे जलन की बू आती है। ये तो वक्त वक्त की बात है। आज मेरे जुमलों में तुम्हें जलन की बू आती है, लेकिन कल जब तुम मेहनत और ईमानदारी से दिन रात काम करोगे और तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा, तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तो तुम्हारे जुमलों में भी बू आएगी। लगता है आपका और सेठ का 36 का आंकड़ा है जो आप हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोग सेठ से दबने वाले नहीं हैं। आप शायद भूल रहे हैं, सेठ जी ने हमें दिवाली का बोनस दिया था। बोनस सेठ जी ने अपनी मर्जी से नहीं दिया था, वो हैंड बिल्स की वजह से दिया था, जिसे पढ़कर मजदूर भड़क उठे थे। जानते हो, मजदूरों को भड़काने के लिए वो हैंड बिल्स किसने बांटे थे? मैंने। पावर हाउस किसने उड़ाया था? मैंने। और उस दिन मोहन लाल के दफ्तर में वो काली डायरियां चुराने की कोशिश किसने की थी? मैंने। पढ़े लिखे आदमी होकर गद्दारी की बात करते हो और फिर छाती ठोक के कहते हो कि हाँ मैं गद्दार हूँ। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म तो मोहन लाल को आनी चाहिए, जिसने इस कंपनी का असली मालिक रतन लाल का खून किया। शर्म तो मोहन लाल को आनी चाहिए, जिसने मजदूरों के लिए आवाज उठाने वाले गोविंद चाचा को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। झूठ झूठ झूठ। गोविंद चाचा की मौत में मोहन लाल का हाथ नहीं था। मोहन लाल का हाथ था, ये सच है। मोहन लाल की फैक्ट्री में उसके काफी वफादार कुत्ते हैं, जैसे हरकुलस, जिसने मोहन लाल के इशारे पर गोविंद चाचा का खून कर दिया। हरकुलस ने? चंपा के पिता। गोविंद चाचा के खून के बाद कभी हरकुलस को इस फैक्ट्री में देखा है? नहीं, आप ठीक कहते हैं, मैंने नहीं देखा कभी। ये इंसानी खाल पहने खूंखार बेड़िया आहिस्ता आहिस्ता तुम गरीबों का खून पी जाएगा। अब भी कुछ करो। उनको खत्म करने के लिए मेरी पिस्तौल से गोली तो निकल चुकी है, लेकिन निशाने तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरा साथ दो। मैनेजर बाबू, बजरंगी तुम्हारे साथ है, साथ। जट जी, मशीन तो बिगड़ गई है, इसे ठीक कौन करेगा? इस मशीन को ठीक करवाने से पहले हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हेलो, कौन? सुनीता? हाँ, सुनीता बोल रही हूँ। मोहनलाल की तिजोरी में से वो गैर कानूनी कागजात और वो ब्लैक डायरियां हासिल करनी होगी। लेकिन तिजोरी की चाबी? चाबियों का इंतजाम किसी भी तरह तुम्हें करना होगा। ये लो बेटी। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ मेरी ममता नहीं, बल्कि बदले की वो भावना खींच लाई है जिसकी आग में तुम बचपन से लेकर आज तक जलती आ रही हो। इस चाबी से अगर तुम्हारे इंतकाम की आग बुझ सकती है तो मुझे ये सौदा भी मंजूर है। लेकिन मुझे ये चाबी देकर आप अपने पति से क्यों गद्दारी कर रही हैं? ये सुहाग मेरी मजबूरी का दाग है, मेरी बदकिस्मती का निशान। सोने चांदी की थाली में खाने वाले लोग बदकिस्मत नहीं होते। एक माँ की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। तुम जिस दौलत की बात कर रही हो उसकी चाबी ये रही। ये लो और ले जाओ सब कुछ, मगर जाने से पहले इस मजबूर माँ को सिर्फ एक बार अपनी सुबह से माँ कह दो। मैं समझूंगी। दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई। कह दो बेटी। कहाँ है वो ब्लैक डायरियाँ? राजेश, मैं क्या? मैं खाली हाथ ही लौटी हूँ, डायरी नहीं ला सकी। खाली हाथ? क्या मतलब? क्या डायरी नहीं थी वहाँ? थी तो फिर? मगर मुझ में हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की ताकत नहीं थी। क्या हो गया? क्योंकि तिजोरी की चाबी देने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ थी। माँ? राजेश, वो बदले की चिंगारी जो बचपन से मैंने अपने सीने में जला रखी थी और सारी जिंदगी नफरत की हवाओं ने जिसे शोले की शक्ल दे दी थी, वो शोला, वो आग मां की बेबसी को देखकर ठंडी हो गई है, उसके आंसुओं से बुझ के रह गई है। क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ राजेश, मेरी माँ बेकसूर है, वो बेबस थी, बेबस है। तकदीर के हाथों से सिवाय दुख और मायूसी के कुछ नहीं मिला। ऐसी जख्मी आत्मा को और जख्मी करना मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में नहीं है। अपनी माँ के जख्मों को देख कर तुम अपने जख्म भूल गई, जिंदगी भर की नफरत भूल गई, और मैं जो अपने पिता की चिता अपने सीने में दबाए बैठा हूं, तुम उस राक्षस को माफ कर देना चाहती हो क्योंकि वो तुम्हारी माँ का पति है, उसका सुहाग है। राजेश प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचाना कि जिस आदमी से मैं बदला लेना चाहता हूं उसकी पत्नी तुम्हारी माँ है, और तुम अपनी माँ की मोहब्बत के कदमों में मेरी मोहब्बत की बलि चढ़ा देना चाहती। नहीं राजेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहा था, अब मैं तुम्हें सही समझ रहा हूँ। तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। खामोश, बहुत हो गया है नाटक, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन जाने से पहले एक बात सुनो। कल तक मेरा एक दुश्मन था, आज एक और है, और वो तुम। नाउ गेट आउट ऑफ माय लाइफ, गेट आउट। मिस्टर बजरंगी। हाँ जी, फरमाइए। यू आर अंडर अरेस्ट। हिंदी में बोलिए, हमारी मातृभाषा। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मगर क्यों? वो तो पुलिस स्टेशन जाकर मालूम पड़ेगा। जाहिर है कि पुलिस स्टेशन में झूठे हाथों के साथ तो नहीं आ सकता। मैं जरा हाथ धो लूं। मगर जरा जल्दी। धन्यवाद। पिताजी। क्या? पुलिस ने बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कौन सी कयामत आ गई? अगर इसी तरह गरीब मजदूरों पर जुल्म होता रहा तो कयामत जरूर आ जाएगी डैडी। तुम्हारी इस बेहुदा बकवास को सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये बहुत पुरानी कहानी है डैड। अमीर गरीब को ना कभी हक देता है ना वक्त, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन्हें हक भी दूंगा और वक्त भी। तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ वो 2 टके के बजरंगी को छुड़ाने की कोशिश करोगे? हाँ पिताजी, क्योंकि 2 टके की मजदूरी अपनी मेहनत से आपकी तिजोरी को टकसाल की तरह भर देते हैं। ये 2 टके के मजदूर जो दिन रात अपना पसीना बहाते हैं, आप जैसों को करोड़पति बनाते हैं। ये दौलत या जायदाद मैंने गरीबों के बदबूदार पसीने से नहीं बल्कि अपनी अकल से कमाई है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है डैडी। अगर मेहनत अकल का साथ ना दे तो अकल को जंग लग जाता है, और अगर मजदूर सेठ का साथ ना दे तो मशीनों को जंग लग जाता है। तुम अपनी ये घटिया फलसफे और बेहुदा नसीहतें जाके गरीबों को सुनाना मुझे नहीं। नसीहत नहीं कर रहा हूँ डैडी, इंसानियत के आईने में मैं आपको आपकी जुल्म करने वाली सूरत दिखा रहा हूँ। रणधीर, मैं तुमसे कहता हूँ अपनी जबान पर काबू रखो। जबान पर काबू रखूंगा लेकिन जज्बात पे नहीं। मैं बजरंगी को छुड़ा कर रहूंगा। अगर आपकी बार तुमने हरकत की तो मैं तुम्हें तो क्या कर लेंगे आप? क्या करूंगा? मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम आईने में मुझे मेरी सूरत दिखाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक ऐसे आईने में तुम्हारी सूरत दिखाऊंगा कि तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। इसलिए मुझसे मत उलझो, अपना काम करो। अब तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। अब तो मैं वो आईना देख कर ही जाऊंगा जिससे मुझे अपनी सूरत से नफरत हो जाएगी। तुम अपनी सूरत देखना चाहते हो तो तुम्हारी असलियत यह है मिस्टर रणधीर कि तुम मेरा खून नहीं हो, तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जाने किसका गंदा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है जिसे पाक करने की और तुम्हें इंसान बनाने की मैं एक नाकाम सी कोशिश कर रहा हूं लेकिन हार गया। तुम्हारी जगह अगर मेरा अपना बेटा होता तो अपने बाप के हुक्म को भगवान का हुक्म समझकर मेरे कदमों में अपना सर झुका देता, मगर तुम तो गैर हो ना। तुम्हारी रगों में जो खून है उसमें गद्दारी, बेईमानी और एहसान फरामोशी का रंग मिला हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? इंद्रानी, अपनी इस किराए की औलाद को समझा दो कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश न करे वरना कुचल के रख दूंगा। अमीर को गरीब होते देखा था, आज माँ बाप होते हुए अनाथ होते पहली बार देख रहा हूँ माँ। ये सच है कि तू मेरा खून नहीं है माँ, लेकिन मेरी रगों में दौड़ने वाले हर कतरे पर सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है। ममता की मोहर लगी है उस पर। अगर तू ना मिला होता तो मैं कब की मर गई होती। मतलब मैं? हाँ बेटे, शादी की रात मैं जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने निकली थी कि अचानक मेरे कदम रुक गए। एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो बेचारा फुटपाथ के किनारे पड़ा अकेला रो रहा था। आखिर मैं भी मां थी। लेकिन? हाँ बेटे, मैंने पहले भी एक औलाद को जन्म दिया था और वो मुझसे बिछड़ गया था। उस बच्चे की आवाज में मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी सूरत में मुझे मेरे बच्चे की सूरत नजर आने लगी। मुझे ऐसे लगा मेरा बच्चा मुझसे अपनी ममता का हक मांग रहा है और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे सीने से लगा लिया और वो हंस पड़ा, और उसकी वो मुस्कुराहट में मेरे सारे दुख डूब गए। वो बच्चा और कोई नहीं, तू ही है बेटा। और वो औलाद जिसको खोकर मैंने तुम्हें पाया वो सुनीता है। बेटा, बेटा, घबराओ मत मां। उसके और तुम्हारे बीच जो ममता का रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, और वही रिश्ते की डोर उसे वापस खींच लाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जी मैं ठीक कह रहा हूँ, ये शादी नहीं होगी। अरे अगर ये शादी नहीं होगी तो मेरा नाम, मेरी इज्जत सब खाक में मिल जाएगी। वही तो मैं नहीं चाहता। अगर ये शादी रुक जाएगी तो आपकी इज्जत, आपके खानदान का नाम बच जाएगा, क्योंकि मैं एक बदनामी का दाग हूं जिसे खुद नहीं मालूम उसके माँ बाप कौन है। ऐसे गुमनाम शख्स को दामाद बनाकर आप अपने नाम को बदनाम कर बैठेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम सेठ मोहनलाल के बेटे हो। जी नहीं वकील साहब, मैं उनके रहम, उनके टुकड़ों पर पलने वाला एक लावारिस हूं। लेकिन ये सब किसने कहा तुम्हें? सेठ मोहनलाल ने। आज बरसों बाद उन्होंने मुझे अपनी असलियत बताई। ऐसे ठीक किया उन्होंने, नहीं तो झूठ की चादर में छुपी सच्चाई कभी बाहर ना आती, वही दम तोड़कर रह जाती वो। अगर ये सच भी है बेटे, तो मुझे तुम पर नाज है कि तुमने मुझे अंधेरे में नहीं रखा, मुझे धोखा नहीं दिया। इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे माथे पर किसी बड़े खानदान का लेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस सीने में एक शरीफ दिल है, एक इज्जत वाली आत्मा है। और मैं नाम का नहीं, इज्जत का पुजारी हूं। आपने सब जानकर भी मुझे इज्जत बख्शी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत, आपकी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं इसके लायक नहीं हूं। आज तक दिन ने वो ठोकर मारी है, रिश्ते की सारी दीवारें तोड़कर तन्हाई के मैदान में जा गिरा। अचानक अकेला हो गया, जिसे बाप समझता था वो गैर निकला। मुकद्दर ने आज वो आईना दिखाया तो पता चला कि मेरा कोई नहीं, मैं यतीम हूं, मैं लावारिस हूं। यतीम, लावारिस? तो क्या तुम मोहनलाल के बेटे नहीं हो? नहीं, उनका मेरा रिश्ता नकली था, पर आज मैं वो घर छोड़कर जा रहा हूं। घर छोड़कर जा रहे हो? कभी तुमने ये भी सोचा है कि उस मां का क्या हाल होगा, दीप्ति का क्या होगा? दोस्त, आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएंगे। भूल जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, और उनमें से मैं एक हूं। राजेश, दोस्तों का रिश्ता तो भाइयों के रिश्ते से बहुत ऊंचा है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभी तुमने बहुत काम करने हैं, बहुत काम पेंडिंग है। तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, मुझे अपना फर्ज निभाना है। हाँ। नहीं मिस्टर, बजरंगी नामी किसी आदमी का ना तो हमने गिरफ्तारी वारंट निकाला है और ना ही गिरफ्तार किया है। कमाल, ऐसे कैसे हो सकता है? गिरफ्तार होने वाले का हमारे पास रिकॉर्ड होता है। यकीन कीजिए, जो खबर मुझे मिली है कि एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार उसे लेके गए हैं। इम्पॉसिबल। लगता है आपको कोई गलत खबर दी गई है, धोखा हुआ है। लगता है धोखा ही हुआ है। सेठ जी, आप यहाँ? जी हाँ, मैं। लेकिन मुझे क्यों बुलाया गया यहाँ ऐसे? ये मशीन बिगड़ गई, इसको जरा ठीक करना है। मुझे बनाया गया है बिगड़ी हुई मशीनों को ठीक करने के लिए, लेकिन जरा आपकी मशीन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा मतलब है टाइम लगेगा थोड़ा। टाइम? जी, वो क्या है कि आपके आदमी मुझे उठा के ले आए, लेकिन मैं अपने औजार साथ नहीं लाया, तो आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं 2 मिनट में औजार लेके आता हूँ। हाँ महाराज, जल्दी क्या है, मैं मंगवा देता हूँ। सुनो, इसके औजार लग रहा हूँ। थोड़ी गड़बड़ है ना, वो इनको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा हथियार किधर फिट होता है? गड़बड़ है थोड़ी। ये क्या कर रही हो बेटी? मेरी माँ जो इस कैद खाने में बरसों से उम्र कैद की सजा काट रही है, उसे छुड़ा के ले जा रही हूँ। नहीं बेटी नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं माँ, अगर मोहनलाल को पता चल गया कि मैं तुम्हारी औलाद हूँ और उसके पुराने दुश्मन दिनेश की बेटी, तो वो तुम्हें भी मार डालेगा और मुझे। लेकिन इतने बरसों बाद तो मिली हो तुम, तुम्हें कैसे गवा सकती हूँ मैं? तुम्हें तो सुख की जिंदगी देना चाहती हूँ मैं। चलो माँ, तुम्हें मेरी कसम। मगर मेरे रणधीर का क्या होगा? वो अपनी माँ को ढूंढता हुआ तुम्हारे तक जरूर पहुंच जाएगा। चलो माँ। करते हो या इसकी गर्दन टूटने का तमाशा देखना चाहते हो? बजरंगी, मेरी जान भी चली जाए, पर तू इनकी बात मत सुनना, मत सुनना। अरे इसका तो बाप भी करेगा। बजरंगी, गैर कानूनी काम है, तुम अपने हाथ काले मत करना, इनकी बात मत सुनना, मत सुनना बजरंगी। तुम्हें तो मैं अपना वफादार समझा था और तुमने अपने गद्दारी के दांतों से मुझी को काटने की कोशिश की। अब देखना ये मोहन लाल जिसके बाल बाल में सुअर का बाल है, तुम दोनों माँ बेटी का क्या अंजाम करता है, क्या हश्र करता है। सुनो मोहन लाल, मौत से कम तुम करोगे नहीं और मौत से ज्यादा कर नहीं सकते। जिस माँ बेटी को तुमने जीते जी मिलने नहीं दिया, आज उन दोनों को एक साथ मौत की आगोश में दे रहे हो। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। हार तो तुम्हारी ही होगी। हार किसकी होगी ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये तुम माँ बेटी के लिए मैं तोहफा लाया हूँ। मुझे यहाँ से जाने में 10 मिनट लगेंगे और इसे फटने में भी 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट बाद यहाँ एक धमाका होगा। जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो सामने भगवान खड़ा होगा। प्रार्थना कर लो। मेरा पैर, मेरा पैर। इन्हीं पैरों को कुचलने के लिए तो मैं जिंदगी भर इंतकाम की आग में जलता रहा। याद कर मोहनलाल, मेरा एक दिन इसी तरह तूने एक शरीफ इंसान को अपाहिज बनाया था। याद कर। क्या क्या याद करूं? याद कर जगदीश बाबू को। अपनी याददाश्त पर जोर दे मोहनलाल। उसे तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध? अरे संबंध मेरे खून का है, मेरी आत्मा का है। मैं उसका बेटा हूं। बेटा? तुम उसके बेटे हो? हाँ बेटा, इसीलिए आज मैंने तुझे अपाहिज बनाकर अपने पिता का बदला ले लिया है। तू नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। ममता, तेरी जान खतरे में है। चले जा बेटे, चले जा। बेटा, माँ, बेटा, इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका तोहफा। हमने माना कि घिसी पिटी चीज किसी को तोहफे में नहीं देते, लेकिन क्या करें, ये अपनी आदतों की वजह से पिटे पिटाए हैं। गर्दन सलामत है, बंदा फिट हो जाएगा। नायक, इसे ले चलो पुलिस स्टेशन। ले जाइए। वो देखो लेके बारात दूल्हा आया।